आप लोग कृपया अपना माइक अभी म्यूट पे ही रखें, और जिस वक्त ओपन हाउस डिस्कशन रहेगी तो उस वक्त आप लोग अपने को अनम्यूट कर सकते हैं। आज की इस विशेष परिचर्चा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, और विशेष रूप से ये स्वागत तीन कॉलेजेस की ओर से है, सनातन धर्म कॉलेज अम्बाला छावनी, जीएमएन कॉलेज अम्बाला छावनी, एमपीएन कॉलेज मुलाना और आर्या गर्ल्स कॉलेज अम्बाला कैंट। और विषय जैसे आप सभी जानते हैं, देख ही रहे हैं अपने आप अपनी स्क्रीन्स पर, और आप सभी लोग उससे परिचित भी हैं, रुचिकर भी है, चुनौतीपूर्ण भी है, और ऐसा भी इस परिचर्चा का कोई दावा नहीं है कि हम सब कुछ बुद्धि से सुलझा लेंगे और हमारे जो वाक्य हैं वो कोई अंतिम हैं निष्कर्ष रूप में। और ऐसा भी नहीं है कि हम लोग एक विकल्प प्रस्तुत नहीं कर सकते या हमें विचार करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जो स्थापनाएं कर दी गई हैं नैक के नाम पर, तो उसका एक विकल्प खोजने में मुझे लगता है कि उसमें भी कोई ऐसा बंधन नहीं है। तो इसलिए इस विषय को हम आज विश्लेषित करने का प्रयास करेंगे, और जितने आयाम संभव हैं उनको हम देखें, समझें, और फिर से उसको जो है वो पुनः संग्रहित करके उसका समन्वय करके हम कोशिश करें कि हम कोई एक प्रायोगिक प्रारूप भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत कर सकें आने वाले समय में, और उससे अधिक जितना भी समय लगे। लेकिन मुझे लगता है कि विशुद्ध रूप से भारतीय परंपरा के आधार पर, ज्ञान परंपरा के आधार पर हमें ये प्रयास करना चाहिए। और जिस स्क्रीन के ऊपर जैसा आप देख रहे हैं, क्योंकि मैं सीधा सीधा विषय पे आना चाहता हूँ और 5-7 मिनट से ज्यादा नहीं मैं लेना चाहता, और उसके बाद आज के जो दोनों मुख्य वक्ता हैं उनसे आपका परिचय भी कराऊंगा और उनको आमंत्रित करूंगा, और बीच में हम लोग जो चर्चा रखेंगे वो सारी बातचीत हम विस्तार पूर्वक करेंगे। मन में ये बड़ी तकलीफ थी कि जिस तरह से नैक के मूल्यांकन करने के तरीके हैं उसमें भारतीयता का अंश क्या है, भारतीयता का पक्ष क्या है। और ये भी होता था कि इतना पेपर वर्क बढ़ गया है कि समझ में नहीं आता कि हम काम ज्यादा करें या उससे ज्यादा उस किए हुए काम का ब्यौरा ज्यादा संभाल के रखें। पुराने जमाने में होता था कि जो आप कर्म करते हैं बस वो कर दिया तो उसके बाद उसके चर्चा करने की अपेक्षा नहीं है, उसको छोड़ दीजिए, आगे चलिए। लेकिन यहाँ तो कर्म भी करें और साथ ही साथ अपना बोझ भी साथ लेके चलें, ये एक बड़ी विचित्र बात है। लेकिन चलिए, तो जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा था कि नैक को भारतीय परंपरा से क्या सीखना अपेक्षित है, क्या संभावनाएं उसमें हैं, उसके बारे में हम बात करें। जो लोग इतिहास से परिचित हैं और जिन्हें भारतीयता पे थोड़ा सा भी गर्व है, वो सभी जानते हैं कि कम से कम 7 यूनिवर्सिटीज जो हैं वो प्राचीन भारत में रही हैं और बड़ी प्रभावी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो माननीय यूनिवर्सिटीज रही हैं, जिनमें देश विदेश के छात्र, हजारों जो शिक्षक हैं वो रहते थे। तो ऐसी जब यूनिवर्सिटीज रही होंगी, विश्वविद्यालय रहे होंगे, तो निश्चित रूप से उनमें व्यवस्था भी रहा होगा, प्रबंधन भी रहा होगा, और जो शिक्षा और विद्या रही होंगी, जो कि संबंध होते हैं शिक्षकों और छात्रों के बीच में, वो भी वहां विद्यमान रहे होंगे और उनके अपने कुछ स्तर होंगे। लेकिन नैक के लोगों ने कभी भी क्या इस विषय पे विचार किया कि इन यूनिवर्सिटीज में प्रबंधन के जो मूलभूत सुविधाएं हैं, छात्रों का स्तर, शिक्षकों का स्तर, ज्ञान और विद्या, शिक्षा और विद्या का जो स्तर है वो क्या रहा होगा, उसमें कितनी संवेदनशीलता रही होगी, उसका दृष्टिकोण क्या रहा होगा, कभी वहां से कोई जो लेसन है वो कभी उन्होंने ग्रहण करने का कोई प्रयास किया या नहीं किया, ये अपने आप में एक विचार करने वाली बात है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये सारे का सारा आयोजन आज का किया जा रहा है।
लेकिन मैं जो आप लोगों से बात करूंगा वो केवल विशुद्ध रूप से नैक को लेकर के करूंगा, और उसके एक छोटे से विकल्प के रूप में जो हम लोग विचार कर पाए हैं उस पे बात अगले लगभग 6-7 मिनट में करूंगा। जो तक्षशिला और ये नालंदा रत्नगिरी और जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज रही हैं इनके विषय में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ श्री अमनदीप जी, अमन वशिष्ठ जी हैं, वो इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करेंगे। अमन जी से मैं आपका परिचय कराना चाहूंगा कि रोहतक से हैं और फिजिक्स पढ़ाते हैं, लेकिन भारतीय परंपरा संस्कृत का जो जिस तरह का प्रामाणिक ज्ञान उनके पास रहता है वो निश्चित रूप से अपने आप में अद्भुत है और सराहनीय है। बहुत बार विषय की स्पष्टता उन्होंने मेरे लिए की है, जिसके लिए मैं हमेशा उनका आभारी हूँ। और प्रामाणिकता इसलिए है कि इतना वो पढ़ते हैं और गंभीरता से पढ़ते हैं, निष्ठापूर्वक पढ़ते हैं, कि आश्चर्य होता है कि इतना कोई भी फिजिक्स का टीचर अपने विषय के अलावा इन विषयों को कैसे पढ़ सकता है। तो आप जब उनका वक्तव्य सुनेंगे तो निश्चित रूप से आप उनको जानेंगे, समझेंगे, और जो मैं कह रहा हूं वो कितना प्रामाणिक है इस विषय से आप अवगत होंगे। इसके साथ ही हमारे जो आज के दूसरे मुख्य वक्ता, जो प्रेसिडेंशियल अध्यक्ष के रूप में हमारे साथ उपस्थित हैं, उनका जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस रहेगा प्रोफेसर डॉक्टर गिरीश्वर मिश्रा जी का। मूलतः वो मनोविज्ञान के प्रोफेसर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, लेकिन उसके बाद वाइस चांसलर के पद को उन्होंने सुशोभित किया है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में। और उसके बावजूद उनका अध्ययन, उनकी समझ, उनका दृष्टिकोण, उनका विजन जो रहा है उससे मैं हमेशा प्रभावित होता रहा हूँ, और इसीलिए मैंने उनको विशेष रूप से आमंत्रित किया है कि जो भी हम चर्चा करेंगे, जिस तरह की भी बातचीत होगी, उस सारे को वो समेट करके हमारे लिए प्रस्तुत करें। और इसका उन्होंने एक बार निवेदन करने पर उन्होंने इस दायित्व को स्वीकार किया है। मैं सभी कॉलेजेस की ओर से और आप सभी की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और हमारे साथ जुड़े हुए इस वक्त जितने भी लोग जुड़े हैं जो रुचिवश, उन सबका तो हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है ही है। निश्चित रूप से रुचि के कारण जब आप लोग जुड़ते हैं तो कोई ना कोई पक्ष, नया पक्ष उभर कर सामने आता है, जिससे हमारी दृष्टि और दर्शन जो है वो बड़ा विकसित होता है। तो चलिए मूल विषय की ओर हम अग्रसर होते हैं। सामान्य रूप से आप नैक को इसी रूप में जानते हैं कि इसके, जिसे ABCD कहा जाता है मूल्यांकन करने के लिए, कि एडवांटेजेस, बेनिफिट्स, कंस्ट्रेंट्स और डिसएडवांटेजेस किसी भी व्यवस्था के, तो आप नैक को इसी रूप में जानते हैं कि ये 7 पैरामीटर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज और फैकल्टी परफॉर्मेंस ETC। मुझे उसमें ज़्यादा नहीं जानता, आप लोगों के साथ पावर पॉइंट शेयर कर दी थी, और उसके बेनिफिट्स और वैल्यू फ्रेमवर्क जो है वो हम आप सभी को मालूम ही है, ऐसा मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं समय उस पर नहीं लगाना चाहता। अब इस दृष्टि से, क्योंकि इस विषय को थोड़ा आप जानते ही हैं, तो संस्कृत की दृष्टि से या भारतीय परंपरा की दृष्टि से जब आप नैक को डिकोड करने की कोशिश करते हैं, समझने की, अपने शब्दों में, अपने संदर्भों में जानने की कोशिश करते हैं, तो नैक के दो पंख आपको दिखाई देंगे। ये जो आप ऑन स्क्रीन अपने इक्वेशन देख रहे हैं वो है, एक पक्ष तो उनका है, एक पंख जिसे आप कह लीजिए तो समझने में आसानी हो जाएगी, कि ग्रीक वे वे ऑफ अचीवमेंट, ग्रीक की जो जिस संदर्भ रहे हैं, जो लोग माइथोलॉजी से उसकी परिचित हैं, तो वहां पर हमेशा गॉड्स और मनुष्यों के बीच में एक संघर्ष रहा है, और हर बार मनुष्य को अपनी उपलब्धि की ओर जो है उसको सिद्ध करना पड़ा है। तो इसलिए वहां उपलब्धि को हमेशा सेलिब्रेट किया जाता है, और जितने भी आगे चल करके जो वेस्ट में और जो हमारे भारतीय सोशल साइंसेस में जो कुछ भी डेवलप हुआ है वो उसका एक पक्ष जो है वो ग्रीक वे ऑफ अचीवमेंट जो है उससे हुआ है। दूसरा पक्ष जो है, मैं ज्यादा व्याख्या में नहीं जा रहा क्योंकि फिर समय ज्यादा लग जाएगा, दूसरा पक्ष है कि अब्राहमिक वे ऑफ फॉलोइंग कमांडमेंट्स एंड डिसिप्लिन, ये भी सोशल साइंसेस को परिभाषित करने वाला एक पक्ष है, दूसरा पंख, क्योंकि जब तक आप
को कमांडमेंट्स ना दी हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, या कोई भी डिसिप्लिन है, उसके बीच में कमांडमेंट्स और उस डिसिप्लिन को जब आप फॉलो करते हैं, तभी जो है वो मिल करके आप जो है वो क्वालिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो बनते हैं, वहीं से सब कुछ परिभाषित होता है। हाँ, ये एक और भी बात इसमें है कि इसके बीच में हमें कभी कभी एक सेंस ऑफ इंक्वायरी प्लस एस्थेटिक लिविंग की भी बातें मिलती हैं, बट दैट इज ऑलवेज डिवाइडेड बाय द सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। आप ये देखेंगे जितनी भी सोशल साइंसेज या साइंसेज डेवलप हुई हैं, वो हमेशा सर्वाइवल से डिवाइडेड होती रही हैं। बातें चाहे हम कितनी बड़ी कर लें, चाहे हम यूएनओ की बातें कर लें और विश्व शांति की बातें करें, वेलफेयर की बातें करें, लेकिन वो सारी की सारी हमेशा डिवाइड होती रही हैं वो सर्वाइवल की बातों से, कि जिसमें फियर और हंगर, चाहे वो बिजनेस का हंगर है, चाहे वो दूसरा है, उसको व्यापक अर्थों में अगर आप लेंगे तो वो आपको जानने में और समझने में सुविधा होगी। सो अगर संस्कृत की दृष्टि से अगर हम नैक को इस तरह से जानते और समझते हैं कि अचीवमेंट्स और कमांडमेंट्स और डिसिप्लिन, अगर इस दृष्टि से हम नैक को समझें, तो बहुत जो तामझाम उसके नाम पे इकट्ठा किया है, तो वो बड़ा आसानी से डिकोड होता है, जैसे कि आगे चल करके मैं आप लोगों से करूंगा। लेकिन उससे पूर्व ये 5 प्रश्न जो है मुझे लगता है कि बड़े महत्व के हैं हमारे लिए, हम सभी के लिए, और इस पे अगर चर्चा बीच में हो पाएगी तो जरूर। आप देखिए कि हम क्वालिटी की बात करते हैं, नैक का बहुत जोर है कि क्वालिटी एजुकेशन, और क्योंकि मॉडर्नाइज करना है, स्टैंडर्डाइज करना है, तो क्वालिटी की बात होगी। लेकिन बड़ा सरल सा प्रश्न है कि यदि दो इंस्टीट्यूट्स, अगर उनको सेम ग्रेडिंग मिलती है, A++, A+ जो भी मिले, तो क्या उनका व्यवहार और उनका जो वहाँ का एकेडमिक कल्चर है, क्या वो एट पार हो सकता है? जैसे कि मैंने इसमें दो उदाहरण दिए हैं कि JNU और अमिटी यूनिवर्सिटी गुड़गांव जो हैं, दोनों के ग्रेडिंग सेम हैं, लेकिन क्या उनका व्यवहार और उनकी जो अकादमिक गतिविधियां हैं, अकादमिक जो उनके कर्म हैं, क्या वो किसी भी अर्थ में, किसी भी रूप में वो समान हैं? अगर वो समान नहीं है, तो फिर वो स्टैंडर्डाइजेशन क्या हुई? दूसरा प्रश्न और भी महत्वपूर्ण है कि क्या नैक डेवलपमेंट के ऊपर जोर देता है या इवॉल्व होने के, स्टूडेंट्स के इवॉल्व होने पर, और वो भी स्टूडेंट किस तरह का, जो सेंसिबल स्टूडेंट हो। आप पढ़ते जाइए साथ में, उससे थोड़ा सा समय हमारा बच जाएगा, कि सेंसिबल ह्यूमन बीइंग जो है वो स्टूडेंट हमारा बने और वेलबींग ऑफ द सोसाइटी हो, ये पैरामीटर होने चाहिए। लेकिन क्या नैक इस बारे में कभी विचार करती है, या वो इस संदर्भ में कोई उसके पैरामीटर्स हैं? हालांकि बीच में कल्चरल वैल्यूज और इस तरह के बहुत सारे शब्द आपको देखने में मिलेंगे, जो मैं आखिर में चर्चा करूंगा जिनके बारे में। उसके बाद, डस नैक सर्टिफाइड क्वालिटी एजुकेशन मीन दैट फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी विल बी सेफ एंड सिक्योर? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब आप इस तरह की क्वालिटी एजुकेशन के कर्व खींचते हैं अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, एक तरफ अगर आप रख लें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, अगर आप IMA इंजीनियरिंग कॉलेजेस और ये बाकी कॉलेजेस, और दूसरी तरफ आप डिफरेंट कोर्सेज को रख लें, तो उनके बीच में जो आप एजुकेशन की कर्व खींचेंगे, तो उस पर आपको एक कर्व के एक कोने पे तो उसामा बिन लादेन जैसे लोग मिलेंगे, या फिर दूसरी ओर जो है वो बिदेन जैसे लोग आपको मिलेंगे। बीच में और बहुत सारी दुनिया घूमती आपको दिखाई देगी। चौथा जो प्रश्न है, जो हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है टीचर्स के लिए, कि इज नैक ट्राइंग टू रेजिमेंटाइज ऑल द इंस्टीट्यूशंस बाय इट्स रिजिड क्वालिटी पैरामीटर्स, जो उसके पैरामीटर्स, 7 पैरामीटर्स और फर्दर डिविजन्स हैं, उससे क्या हम सारे सारे के सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एक तरह का रेजिमेंटाइजेशन कर रहे हैं, जैसे फौज में होता है कि सभी एक जैसी वर्दी पहनेंगे, एक जैसे चलेंगे, एक जैसी परेड होगी, एक जैसा ही काम होगा, और उसमें से हर जो इंस्टीट्यूशन का अपना एक फ्लेवर होता है, अपना एक लाइफस्टाइल होता है, अपना जो तरीका होता है, वो सब समाप्त करके हम उसको इस तरह के पैरामीटर्स पे ले आए। और दूसरा, आप देखते हैं कि जब से ये शुरू हुआ है, क्योंकि 3 साइकिल्स में देख चुका हूँ, चौथा अभी हम फेस करेंगे, तो उसमें कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व होती जा रही है,
कहाँ शुरू हुआ था और कहाँ अब वो लाखों में पहुंच गया है, इस बात से आप सभी परिचित हैं, ये भी चिंता का विषय होना चाहिए। और एक जो अंतिम बात जो हमेशा परेशान करती रही है, वो है कि जो गैप है ग्राउंड रियलिटीज और नैक एवेल्युएशन में, कि बहुत सारे कॉलेजेस में जिस तरह का व्यवहार होता है, मैनेजमेंट के व्यवहार हैं, टीचर्स परमानेंट टीचर्स का और एडहॉक टीचर्स के व्यवहार हैं, स्टूडेंट्स के साथ स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप है जिस तरह का ऑन ग्राउंड, उनमें बहुत बहुत फर्क है। लेकिन हम पेपर वर्क देखते हैं, थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं, जो एक तरीके से प्रस्तुतिकरण जिसे हम कहा जाता है प्रेजेंटेशन, उसके आधार पर अगर नैक एवेल्युएशन कर रही है तो मुझे लगता है कि उसे दोबारा अपने पैरामीटर्स को देखना चाहिए और समझना चाहिए। चलिए, कुछ एक प्रश्न थे, मैं इनमें ज्यादा नहीं जा रहा, आप सबने इन प्रश्नों को देखा है और इनका मूल्यांकन भी किया है, आप लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है इस सारे चीज को। लेकिन बड़ी मजेदार बात है कि जब मेरे इन रिस्पॉन्सेस को देखा तो बड़े अद्भुत है। आप इन प्रश्नों को देखें कि जैसे मैंने ये पहला एक प्रश्न रखा था, हाउ मैनी आवर्स डू यू डिवोट टू एकेडमिक थिंकिंग इन 24 आवर्स। कमाल की बात है कि 10 घंटे देने वाले भी टीचर्स हैं, यानी कि 24 घंटे में से वो 5.5 घंटे कॉलेज में बिताते हैं, उसके बाद खाना पीना सोना और बाकी घर के कामकाज, और उसके बावजूद वो 10 घंटे देने में समर्थ हैं। तो कमाल की बात है कि हम ये किस तरह का उत्तर हम दे रहे हैं, कितने सीरियस हैं, जो हम जिस शिक्षा व्यवस्था में का दायित्व हम लोगों ने लिया हुआ है। लेकिन ये भी अच्छा है कि 1 घंटा देने वाले लोग भी हैं जो अपने आप को एकेडमिक थिंकर्स कहते हैं। तो अगर यहाँ से यहाँ तक की रेंज है तो आप अनुमान कर सकते हैं बड़ी सहजता से कि हमारी शिक्षा व्यवस्था क्या है और नैक के पैरामीटर्स क्या कर रहे हैं, कि एकेडमिक थिंकिंग कहाँ पर है ये आप देखिए। वो एकेडमिक थिंकिंग आपको केवल छपे हुए पेपरों से और आपकी छपी हुई किताबों से मिलने वाला नहीं है, और ना ही आपको इस चीज से मिलने वाला है कि आपने 40 मिनट जाकर के 4 पीरियड पढ़ाए, और उससे तो कम से कम नहीं पता लगने वाला, क्योंकि ये शब्द जो है वो बड़े व्यापक अर्थों वाले हैं। एक और इंटरेस्टिंग सवाल जो है, मैं सारे उन सवालों पे नहीं जाऊंगा क्योंकि आप लोगों ने देखे हैं, लेकिन आपको मैं उसमें इंटरेस्टिंग चीजें दिखाना चाहता हूँ कि जो सामने उभर कर आई हैं। एट द स्केल ऑफ 10, वेयर डू यू प्लेस योर नॉलेज ऑफ योर सब्जेक्ट, बॉटनी, जुआलॉजी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, संस्कृत, इंग्लिश, कोई भी विषय ले लीजिए, आपको अपने विषय का ज्ञान 10 के स्केल पे कितना है, उसमें भी आपको 10 देने वाले मिलते हैं। लेकिन बाई एंड लार्ज टू बी ऑन द सेफर साइड, लोगों ने जो है वो ये वाला जो पोर्शन है कि मध्य में न कम न ज्यादा, उन्होंने अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस तरह की चर्चा रखी है। मतलब इस ये मूल्यांकन जब आप करने लगते हैं तो आपको पता लगता है कि नैक कितना सतही स्तर पे आपके मूल्यांकन कर रहा है, और जिसे हम ढिंडोरा पीट रहे हैं, जिसपे लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, और हम दावा करते हैं कि ये जो है ये पैरामीटर्स हमें क्वालिटी देंगे, और उस क्वालिटी एजुकेशन से सेंसिबल ह्यूमन बीइंग्स पैदा होंगे, और ये सोसाइटी जो है इट विल बिकम अ वेलफेयर सोसाइटी, इट विल बी अ सेफ सोसाइटी। आप देख सकते हैं कि क्या है। ये एक सामान्य प्रश्न है जो, हाउ मैनी आवर्स डू यू डिवोट टू रीडिंग बुक्स जर्नल्स 24 आवर्स, और सामान्य रूप से लोगों ने 2 घंटे के ऊपर ज्यादा दिया है, और रिसर्च जर्नल जो है आप कितने पढ़ते हैं, मुझे लगता है कि ये प्रश्न रिपीट हो गया है, इसको मैं छोड़ देता हूँ। ये किताबें खरीदने के बारे में भी प्रश्न है, मैं ज्यादा नहीं उसमें जा रहा, छोड़ रहा हूँ। हाँ, ये एक मजेदार प्रश्न है, मैं इसमें से 2-3 प्रश्न जो मजेदार हैं, जो मेरे बहुत इंटरेस्ट के हैं। व्हाट डू यू डिस्कस विद इंस्टीट्यूशनल कोलीग्स व्हेन यू गेट ए चांस टू मीट देम, आप अपने जो संगी साथी हैं उनके साथ क्या चर्चा करते हैं, क्या बातचीत करते हैं, प्रिंसिपल कैसा है, मेरे कुलीग्स कैसे हैं, उसने क्या किया, उसने नहीं किया, इस तरह की बात, या आप कोई विषयगत ज्ञान की बात करते हैं। तो आप सामान्य रूप से देखें लोगों के
कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, आप देख करके समझ सकते हैं कि हालांकि लोगों ने 12% लोगों ने कहा है कि वो कॉलेज पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं, उससे भी कम जो है वो घर के। और जबकि आप देखिए कि कई कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर होम इश्यूज जो हैं, अपने घर परिवार बच्चों की बातें आपस में कुली 5.5 घंटे में जो फ्री पीरियड होते हैं उनमें करते हैं, लेकिन 82% ये कह रहे हैं कि दे डिस्कस नॉलेज। दिस इज क्वाइट स्ट्रेंज। मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन आप लोग इस बात को समझ सकते हैं। एक और जो मेरे बहुत क्लोज पक्ष का प्रश्न है कि क्या आप अपने स्तर पर, कॉलेज लेवल पर, कोई एकेडमिक डिस्कशन डिस्कस आयोजित करते हैं समय समय पे कि नहीं? कि जैसे ये एक एकेडमिक डिस्कशन है, इसी तरह से कोई 2 लोग 4 लोग 6 लोग मिलकर के आप उनको बुला करके अपने डिपार्टमेंट में या कहीं पर भी, क्या कभी जितने भी वर्ष आपके हो गए हैं कितनी की होंगी या सचमुच करते हैं? तो सेल्डम वाले तो 12% हैं कि हाँ हम चर्चाएं आयोजित करते हैं, लेकिन अभी तक जितने कॉलेजेस मैं जानता हूँ अभी तक उनमें तो मैंने कभी ये चीज देखी नहीं कि 10 लोग मिलकर के वहां पे कुछ चर्चा कभी करते हो। नेवर वाले भी 12%, उनकी ईमानदारी मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन ये जो मैडम प्रिया, प्लीज आप स्क्रीन शेयर ना करें। मैडम प्रिया, प्लीज विदड्रॉ योर स्क्रीन, प्लीज विदड्रॉ योर स्क्रीन। हाँ, थैंक यू, आपने गड़बड़ कर दी है। अब मुझे दोबारा अपनी स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। प्लीज आप लोग 5 मिनट बस धैर्य रखिए, क्योंकि इस तरह से वो गड़बड़ हो जाती है। तो कमाल की बात है कि 75% लोग ये दावा कर रहे हैं कि वो अपने आसपास, अपने कॉलेज इंस्टीट्यूशन में जो है इस तरह की बातें करते हैं, जिनको ज्ञान की बातें कहते हैं, अकादमिक बातें कहते हैं, और उसके लिए वो छोटे छोटे आयोजन करते हैं। तो इसी तरह की ये सारी बातें हैं। और एक जो मैं आप लोगों के साथ आखिरी प्रश्न डिस्कस जरूर करना चाहता हूँ वो ये है, हैव यू एवर अटेंडेड ए क्लास ऑफ योर कलीग हु इज नोन टू बी ए गुड टीचर इन योर इंस्टीट्यूशन? ये प्रश्न मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने स्वयं अपने जो बेहतर टीचर्स हैं, मेरे से कम जो बेहतर टीचर रहे हैं, उनकी क्लासेस को मैंने अटेंड किया, और उन्होंने बहुत वेलकम के साथ ही उनकी क्लास में मैं पीछे बैठा, और ऐसे टीचर्स देखे हैं जो कभी अटेंडेंस नहीं लेते थे लेकिन उनकी क्लासेस भरी होती थी, 120 110 की क्लास, और स्टूडेंट्स खड़े भी हैं, जगह नहीं है बैठने की। और इस तरह के उन टीचर्स को मैंने देखा है, उनकी क्लासेस टीचर होते हुए अटेंड की। लेकिन आप यहाँ उत्तर देखिए, मुझे नहीं पता कि आप में से सचमुच, अगर ये सचमुच आपके सही उत्तर हैं तो निश्चित रूप से 51.2% लोग हैं जिनके उत्तर ये हैं वो बधाई के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं कि वो बिना किसी संकोच के अपने से बेहतर टीचर्स की क्लास को अटेंड करते हैं और समझते हैं कि उनके पढ़ाने का और उनके ज्ञान का स्तर क्या है। लेकिन वंस वाले जो हैं 24% है, और उसी तरह से नेवर वाले जो हैं 24% है। तो कुल मिलाकर के ये सारे प्रश्न थे, मैं इनमें अब ज्यादा नहीं जा रहा, आप लोग देख सकते हैं। और जो लास्ट कंक्लूडिंग जो रिमार्क्स हैं उसमें से दो एक रिमार्क्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। एक सज्जन ने तो कहा है कि कुछ क्वेश्चंस जो हैं उनको रीफ्रेम करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक बात है, कुछ से तो मैं स्वयं भी असंतुष्ट हूँ, उनको रीफ्रेम हम करेंगे और अभी इसमें कुछ और इंक्लूड करेंगे। कुछ ने चिंता जाहिर की है कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो जो अपनी इंडिपेंडेंस है उससे वो उनकी मेंटेन रहनी चाहिए, और इस तरह के जो प्रेशर्स हैं नैक के और बाकी सब चीज़ों के, गवर्नमेंट के, और ये सब ये नहीं होने चाहिए। और एक की मैं जरूर प्रशंसा करना चाहूंगा जिन्होंने बड़े स्पष्ट रूप में लिखा है कि कॉलेज में बात सिर्फ राजनीति की होती है, कॉलेज के पॉलिटिक्स की होती है, ज्ञान की बात ना करता है ना करने देते हैं, और तुष्टिकरण का दौर पता नहीं कहाँ ले जाकर के छोड़ेगा।
ठीक है। और तो कुल मिलाकर के ये कुछ कंक्लूजन थे जो इस भूमिका के रूप में मैं आप लोगों से रखना चाहता था, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों से पहले ही बात सारी की थी कि मैं थोड़ा सा विषय जो है वो केवल नैक के ऊपर रखूंगा और उसके एक विकल्प के बारे में आपसे बात करूंगा। तो जल्दी से हम एक जो विकल्प है उसकी बात कर लें और फिर उसके बाद डॉक्टर अमन जी आप लोगों के साथ बात करेंगे कि जो यूनिवर्सिटीज जो पुरानी रही हैं उनके क्या संदर्भ रहे हैं और क्या विषय रहे हैं जो नैक के लिए उपयोगी हो सकते हैं। देखिए, प्राचीन भारत के संस्कृत के दो शब्द हैं योग और क्षेम। आप लोगों को लग सकता है योग का नाम लेते बाबा रामदेव का, लेकिन वो योग का 2% है मैक्सिमम जो बाबा रामदेव कराते हैं। लेकिन योग शब्द का जो मूल अर्थ है अप्राप्त से प्राप्तम, जिसका मतलब है टू अचीव वट हैज नॉट बीन अचीव्ड, योग का ये मतलब होता है। तो नैक एक तरह से यही देखता है कि जो कुछ आपने प्राप्त नहीं किया है स्टैंडर्डाइज करने के लिए, क्वालिटी के लिए, उसको आप अचीव करें। और क्षेम का मतलब होता है प्राप्त से रक्षणम, यानी कि टू सस्टेन वट हैज बीन अचीव्ड, ये है क्षेम का अर्थ। यानी कि नैक दूसरे पक्ष में ये चीज देखता है कि जो कुछ आपने अचीव किया है, आपने ए प्लस किया है, तो अब ए प्लस प्लस को मेंटेन करने के लिए, ए प्लस को आप मेंटेन करें और ए प्लस प्लस की ओर अग्रसर हो। तो निश्चित रूप से ये प्राचीन भारतीय परंपरा में जो यूनिवर्सिटीज रही हैं उसके भी ये दो पक्ष रहे हैं। और उसके बीच में जो मूल्यांकन क्वालिटी एजुकेशन को जो डिफाइन किया जा सकता है संस्कृत शास्त्रों के आधार पे, वो है द गोल ऑफ संस्कृत शास्त्र बेस्ड क्वालिटी एजुकेशन मीन्स दैट ए सोसाइटी शुड बी द इंटीग्रेशन ऑफ मेटीरियल डेवलपमेंट विद साइकोलॉजिकल कल्चरल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑल इन हार्मनी विद अर्थ। धरती के साथ संबंधित शिक्षा और विद्या आपकी होनी चाहिए और इसमें हर अकादमिक संस्था को दो काम करने होते हैं कि वो अभ्युदय और निःश्रेयस के लिए प्रयत्न करे, जिसे आप आज के इकोनॉमिक्स की भाषा में, सोशल साइंसेस की भाषा में डेवलपमेंट कहते हैं। निःश्रेयस की बात नहीं होती है, फाइनल बीएटीट्यूड, हालांकि ये क्रिश्चियन टर्म है लेकिन मुझे इससे ज्यादा बेहतर कोई ट्रांसलेशन इसका मिला नहीं। और उस अभ्युदय और निश्चय से तीन चीजें हम चाहते हैं किसी भी एकात्मिक संस्थान में हो, कि एकेडमिक कल्चर और सेंसिबल पर्सनैलिटी और सोसाइटल वेलबींग। और लास्ट में मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ कि नैक के ये 7 पैरामीटर्स हैं जिसके बारे में मैंने वो सारा सर्वे आप लोगों के साथ शेयर किया है, लेकिन संस्कृत शास्त्रों के आधार पर आप ये 9 पैरामीटर्स अगर आप देखें जो कि फर्दर सब डिवाइडेड इनटू ऑलमोस्ट 70, अगर इसके ऊपर अगर आप काम करें और देखें और समझें, तो हम निश्चित रूप से पूरा एक विकल्प दे सकते हैं, नैक से बेहतर विकल्प दे सकते हैं किसी भी संस्था का मूल्यांकन करने के लिए, जो केवल पेपरों से नहीं होगा। जैसे 70% उन्होंने केवल पेपर देख करके, फोटोग्राफ्स देख करके, मतलब कितनी अजीब बात है कि हमें अपने सबूत देने पड़ते हैं कि हमने सचमुच ये कर्म किया है, उस कर्म के लिए सबूत मांगे जाते हैं, ये कितनी अजीब बात है। खैर, एनीवे, तो वो 9 पैरामीटर्स जो हैं कि सबसे पहले किसी भी इंस्टीट्यूशन का जो साइकोलॉजिकल वेलबींग है वो मूल्यांकित होना चाहिए। उसके सर्टेनली आगे कई पैरामीटर्स हैं, अभी वो सब चर्चा का विषय नहीं है। हेल्थ का, वहाँ का स्टाफ इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स, यूज ऑफ टाइम जो कि बीच में अभी बात आई है, सामाजिक गतिशीलता और एजुकेशन, एकेडमिक कल्चर, इन्वायरमेंट, गवर्नेंस और स्टैंडर्ड ऑफ एकेडमिक लिविंग, कि एक टीचर टीचर के तौर पे रहता कैसे है, कि महंगे से महंगे कपड़े, महंगे से महंगे जो क्वालिटी वाले शूज होते हैं, या महंगे से महंगे आजकल तो गाड़ियां और जो कुछ भी आप समझ सकते हैं, लेकिन उन सब के बीच में जो एक स्मार्ट और गुड लुकिंग टीचर है वो वाकई उसका अकादमिक स्तर कितना होता है, ये एक विचार करने की बात है। और जब मैं ये बातें आपके साथ कर रहा हूं तो निश्चित रूप से आपको मैं बता दूं कि नैक के जितने भी पैरामीटर्स हैं उनमें ऐसा नहीं है कि दोष नहीं है, उनमें कमियां नहीं है, उसके अपने डिसएडवांटेजेस हैं, क्योंकि उसका जो फॉर्मल स्ट्रक्चर है, हायरार्की है, रिजिड प्रैक्टिसेस हैं, ये आप सब देख सकते हैं। ये मैं आप लोगों के साथ, जिनके पास पावर पॉइंट नहीं है, मैं दोबारा शेयर कर दूंगा, समय मैं नहीं और लेना चाहता, थोड़ा हालांकि ज्यादा लग गया है, तो ये सारी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था।
तो ये पक्ष मैंने आपके सामने रखा है कि नैक को बहुत कुछ भारतीय परंपरा से सीखने की अपेक्षा है, उसे सीखना चाहिए और अपना मूल्यांकन, पहले तो अपना ही दोबारा से मूल्यांकन करने का साहस उनको दोबारा करना चाहिए, और शेष देखते हैं आज की ये बातचीत कितनी सफल होती है कितनी नहीं होती है, वो चिंता का विषय नहीं है। नहीं सफल होगी, हम दोबारा उसको पुनर्मूल्यांकित करेंगे और दोबारा फिर चर्चा करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ जो दूसरा पक्ष है उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए श्री अमन वशिष्ठ जी को, जो रोहतक से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जिनकी जिनका परिचय मैंने आपसे करवाया है। तो लगभग 10-12 मिनट का वो एक वक्तव्य देंगे, उसके बाद विल हैव ओपन हाउस डिस्कशन। जी अमन जी, अमनदीप वशिष्ठ जी। थैंक यू सो मच सर। अगर मेरी बीच में सर कहीं आवाज कटे तो मुझे बता दीजिएगा, जी अगर सिग्नल वीक हो जी तो। जैसे कि सर आपने लगभग सारी बातों को बहुत अच्छे से रख ही दिया है कि किस तरीके के प्रश्न वो हैं और किस तरह से जो प्राचीन भारतीय विद्या परंपरा है और जो वर्तमान जो मॉडर्न जो हम कहें कि जो शिक्षा प्रणाली है विद्या परंपरा है, इन दोनों के बीच में कोई संपर्क सूत्र किस तरह से ढूंढे जा सकते हैं, विशेष रूप से मूल्यांकन के संदर्भ में। तो एक बार जरा उसको मैं ये चाहूंगा, व्यक्तिगत रूप से कुछ ग्रंथ मेरे पास हैं, क्योंकि 10 मिनट हैं तो बहुत विस्तार से तो बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन सूत्र रूप में कोशिश रहेगी कि मैं सब वे संदर्भ यहाँ पर एक बार साझा कर लूं, ताकि सभी जो आदरणीय वरिष्ठ जन हैं वो उन सूत्रों की सहायता से फिर आगे अपनी अपनी बात को विस्तार दे पाए, या यूं कहें कि ये बात फिर आगे बढ़ पाए। शुरुआत में करना चाहूंगा कि भारत में तीन बड़ी परंपराएं, विद्या की बड़ी परंपराएं रही हैं, जिसको हम कहते हैं कि आर्य परंपरा की दो बड़ी शाखाएं भारत में रही हैं, एक वैदिक शाखा और एक श्रामण्य की शाखा, इसे हम एक को श्रुति की परंपरा और जिसको जिन शासन में श्रुत कह दिया जाता है उसकी परंपरा कहते हैं, और इन दोनों प्रणालियों में अपने अपने ढंग से इकट्ठे भी और कुछ विशिष्ट तरीकों से भी ज्ञान का उत्पादन ज्ञान का संचरण होता रहा है, और फिर हम उसमें देखेंगे कि मूल्यांकन किस ढंग से और कैसे किया जाता है। जैसे कि सर ने जिक्र किया कि प्राचीन भारत की जब हम बात करते हैं तो क्योंकि उस उन यूनिवर्सिटीज पर, हालांकि अब नालंदा के ऊपर बहुत सारे शोध पत्र आए हैं, वो सर अगर चाहेंगे तो किसी इच्छुक व्यक्ति के साथ वो सभी चीजें शेयर भी की जा सकती हैं, और लेकिन जब हम गुरुकुलों की बात करते हैं और जब हम नालंदा की विक्रमशिला की वल्लभी की तक्षशिला की बात करते हैं तो इन सब में कुछ समानताएं और कुछ अंतर भी हैं। तो एक बार शुरू करते हैं, भारत के अंदर जो वैदिक परंपरा रही है उसके अंदर ज्ञान का हस्तांतरण किस तरीके से होता रहा है और उसके मोडस ऑपरेंडाय क्या रहे हैं। जैसे अभी मेरे पास अभी हाथ में दो पुस्तकें हैं, आप में से बहुत विद्वत जनों ने इन पुस्तकों का नाम सुना होगा। एक मेरे पास यह पुस्तक है, चूंकि फ्रंट कैमरा है तो रिवर्स दिखाई पड़ रहा होगा, यह काशी की पांडित्य परंपरा, पंडित बलदेव उपाध्याय जी की लिखी हुई पुस्तक है, और ये दरअसल पंडित गोपीनाथ कविराज जी की काशी की सारस्वत साधना, कि काशी में विद्या परंपरा दरअसल किस तरह से और कैसे चलती थी उसको एक्सप्लेन करते हुए वो उन्होंने पूरा एक लंबा काम आगे किया। अब मेरे पास इसके अंदर एक चैप्टर है, इसमें काशी की वैदिक परंपरा, हम जानते हैं भारत के अंदर जो लर्निंग सेंटर्स रहे हैं, जैसे एक नवद्वीप एक बड़ा सेंटर रहा है न्याय का, हम जानते हैं चैतन्य महाप्रभु स्वयं वहीं के एक तरीके से कहें कि एल्यूमनस थे, और इसके अलावा मिथिला एक बहुत बड़ा सेंटर रहा है न्याय वैशेषिक का, और ठीक इसी तरह से काशी एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है ज्ञान परंपरा का भारत के अंदर, उत्तर भारत में विशेष रूप से, और वहां पर पंडित किस तरह से ज्ञान को हस्तांतरित करते थे अपने शिष्यों में, वैदिक चाहे वो वेदों के रेफरेंसेस हो, चाहे वो पुराणों की शिक्षा हो, चाहे वो व्याकरण की शिक्षा हो, चाहे वो छंद शास्त्र की शिक्षा हो, तो ये अलग अलग जो शिक्षा के जो तरीके थे वो किस तरह से भारत के अंदर विशेष रूप से काशी में किस तरह से हस्तांतरित किए जाते थे, तो वो जो सिस्टम था वो किस तरह से था। जैसे ऋग्वेदीय पाठशालाएं अलग है, यजुर्वेद की पाठशालाएं अलग है, जैसे मैं इस ग्रंथ से ही उद्धृत कर रहा हूँ, ऋग्वेद की 9 वैदिक शालाओं का इन्होंने उल्लेख किया है, जिसमें वेद मूर्ति दिनकर अण्णा जोशी की पाठशाला,
डोंगरे जी की पाठशाला जो ब्रह्मा घाट स्थित शेणाबाई मठ के पास थी, जिसकी स्थापना वेदमूर्ति विनायक भट्ट डोंगरे जी ने की, और इसके अलावा विनायक भट्ट काले की पाठशाला, फिर यजुर्वेद की पाठशालाओं का उल्लेख है जिसमें सोमनाथ भट्ट मापट की पाठशाला और पंडित राजा राम शास्त्री कारलेकर की पाठशाला, और फिर इसके बाद सामवेद की पाठशालाएं हम जानते हैं। भारत में सामवेद के स्टडी के अलग अलग तरीके रहे हैं जिनमें कौथुमी शाखा है आदि आदि, और फिर उसके बाद अथर्ववेद की परंपरा। ये तो परंपरा हुई वेदों की, जिसमें एक और बड़े विद्वान जैसे पंडित रामचंद्र शास्त्री रटाटे, जिन्होंने श्रीपाद दामोदर सातवलेकर ने जब वेदों का जब एडिटिंग किया था उसमें उनकी मदद की। तो ये एक जस्ट मैं हल्का सा बहुत मोटा मोटा एक आउटलाइन बता पा रहा हूं कि काशी के अंदर किस तरह से अलग अलग सेंटर्स रहे वेदों के अध्ययन के। ठीक इसी तरीके से व्याकरण की एक पूरी की पूरी हम जानते हैं, पूरी की पूरी एक कौमुदी की एक पूरी की पूरी शाखा रही है, पाणिनीय ब्रांच रही है, ये एक अलग तरीके की स्टडी वहां पर होती रही। अब सवाल ये है कि यहां पर मूल्यांकन की क्या परंपराएं रही होगी। तो उसमें मेरा निवेदन ये है कि प्राचीन भारत के अंदर क्योंकि छात्र को लगातार गुरुकुल में 24 घंटे संपर्क में रहना होता था, तो लगातार संपर्क में रहने के कारण जिसे हम आधुनिक स्कूल सिस्टम के अंदर अब कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन कह देते हैं, हालांकि वो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव होना बड़ा कठिन बात होती है क्योंकि 6 घंटे के बाद आपके साथ छात्र नहीं होता, तो वो जो जिसे हम आधुनिक स्कूली व्यवस्था के अंदर कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन कहते हैं, फिर कॉलेज में और यूनिवर्सिटीज के अंदर भी कोशिश की जाती है कि उस छात्र का पूरे सेमेस्टर के अंदर जो अलग अलग जो टेस्ट्स हैं, चाहे वो यूनिट टेस्ट हो चाहे वो सेमेस्टर के टर्म एंड टेस्ट्स हो, उसमें एक सतत मूल्यांकन होता रहे। लेकिन क्योंकि प्राचीन भारत के अंदर शिष्य लगातार गुरु के साथ रह रहा था, इसलिए जो बात इन प्रिंसिपल अब कही जाती है मूल्यांकन के लिए, छात्रों के मूल्यांकन के लिए, वो बात लगातार वैसे ही घटित हो जाया करती थी प्राचीन गुरुकुलों के भीतर। इसका मैं एक और एग्जाम्पल दूंगा, जरा हम एक बार वैदिक परंपरा से दूसरी तरफ जैन परंपरा की तरफ आए। जैन परंपरा के अंदर एक बहुत बड़ा ग्रंथों का शास्त्रों का उत्पादन हुआ है, बहुत वहां पर ग्रंथ लिखे गए हैं, उस पर अलग अलग लोगों ने काम किया है, हरमन याकोबी ने काम किया है जर्मनी में, भारत के अंदर मुनि जिनविजय जी ने, मुनि पुण्य विजय जी ने, मुनि पुण्य विजय जी का जैन आगमों के ऊपर और प्राकृत वांग्मय के ऊपर एक बहुत बड़ा शोध पत्र है जो मुनि हजारीमल जी स्मृति ग्रंथ ब्यावर से छपा है। अगर आप में से कोई साथी कोई वरिष्ठ जन चाहे तो उस शोध पत्र को देख सकता है कि किस तरह से वहां पर हजारों वर्षों तक ग्रंथों का उत्पादन होता रहा। और हम जानते हैं कि पाटन में, जैसलमेर में, ब्यावर में, जयपुर में, बीकानेर में बड़े ग्रंथागार हैं। तो अब सवाल ये है कि ये जो ग्रंथागार हैं, इन ग्रंथागारों में विद्या की जो परंपरा बनी हुई है, ये जो ग्रंथों का उत्पादन हो रहा है, इनकी क्रिटिकल असेसमेंट, इनकी एवेल्युएशन, उसकी क्या मेथोडोलॉजीज ट्रेडिशन के भीतर रही। तो एक बार मैं इस पूरी चर्चा से थोड़ा सा घटते हुए छोटी सी बात का उल्लेख करूंगा, वो ये कि संसार के अंदर कॉमर्स तो हमेशा से रही है। हम जानते हैं भारत का दूसरे देशों के साथ बहुत लंबा व्यापार रहा है, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया हो, चाहे वो यूरोप हो। हम जानते हैं प्राचीन यूरोपीय लेखकों ने लिखा है कि भारत के साथ हमारा किस तरह से व्यापार होता रहा है। तो बाजार तो हमेशा से रहा है, लेकिन शिक्षा बाजार की मांगों की पूर्ति करने लग जाए, ये अभी होने लगा है पिछले 150 वर्ष से, मैं ऐसा समझता हूं। इसे मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा कि देयर हैज ऑलवेज बीन अ मार्केट, मार्केट हमेशा से रही, लेकिन एजुकेशन मार्केट नीड्स को फुलफिल करेगी, ये एक नया टर्न हमें देखने को मिलता है। तो क्योंकि अब एजुकेशन मार्केट नीड्स को फुलफिल करती है, तो वो पूरे के पूरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का वैल्यू सिस्टम बदलता है। तो हालांकि हम जानते हैं, मैं उन बातों को दोबारा रिपीट नहीं करना चाहूंगा, उन नीति शास्त्र की बातों को कि विद्यार्थी को कैसा होना चाहिए, उसे गुरु के पास कैसा बर्ताव करना चाहिए आदि आदि, उस सब से हम परिचित हैं। लेकिन मैं एक बात का यहाँ पर उल्लेख अभी करना चाहूंगा, मेरे हाथ में एक बड़ा ग्रंथ है जैन परंपरा के अंदर, इस ग्रंथ को बहुत बड़ा ग्रंथ माना जाता है, उत्तर जैनाणी उत्तराध्ययन, जो प्रतिष्ठा हमारे यहाँ गीता की है वैसी ही प्रतिष्ठा जिन शासन के अंदर उत्तर जैनाणी की है। ये मेरे हाथ में अभी आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी का एडिट किया हुआ संस्करण है, और इसमें चैप्टर्स के नाम है अध्ययन,
जैसे 11वां चैप्टर है उसका नाम है बहुसूय पूजा, बहुश्रुत पूजा। ये क्राइटेरिया है, क्या क्राइटेरिया है कि कोई व्यक्ति बहुश्रुत होगा। अभी मुझे याद है डॉक्टर आंगिरस कह रहे थे कि जब मैंने क्वेश्चनेयर बनाया तो उनसे ये पूछा कि आप अपने सब्जेक्ट को कितना स्टडी करते हैं, नंबर एक, आप अपने सब्जेक्ट के अलावा क्या क्या चीजें स्टडी करते हैं, और आपकी अपने ही सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज क्या है। और मैं जब उस क्वेश्चनेयर को देख रहा था तो उसमें एक प्रश्न डॉक्टर आंगिरस जी ने यह भी डाला था कि आप अपने सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ इंटररिलेट कितना कर पाते। इसे हम भारतीय परंपरा में कहते हैं बहुश्रुत होना, जिसे जैन परंपरा बहुसूय पूजा कह रही है, बहुश्रुत पूजा कह रही है। मैं एक यहां पर छोटा सा एक यहां पर जो है गाथा कहूंगा, जिसे हम संस्कृत में श्लोक कहते हैं, उसे प्राकृत में गाथा, हिंदी में दोहा कह देते हैं। इन्होंने कहा है कि जिस जहां से कंबोयाणम आईने कंथे सिया, आसे जवेन पवरे एवं हवई बहुसुए। जैसे कंबोज के घोड़ों में कंथक घोड़ा, घोड़े का एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, शील आदि गुणों से आकीर्ण और वेद से श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार भिक्षुओं में बहुश्रुत श्रेष्ठ होता है। बहुश्रुत का मतलब जिसने एक वास्ट कंपैरेटिव स्टडी की, मैं उसकी सांप्रदायिक संप्रदाय निष्ठ डेफिनेशन में भी नहीं जा रहा, एक बहुत ब्रॉड एक बहुत मोटा मोटा हम यहाँ पर आउटलाइन दे रहे हैं। तो जो डॉक्टर आंगिरस कह रहे थे कि किस तरह से वो सब्जेक्ट्स को रिलेट करने में समर्थ हो, किस तरह से वो दो अलग अलग स्ट्रीम्स को रिलेट करने में समर्थ हो, उस बहुश्रुतता की इतनी प्रतिष्ठा है भारतीय परंपरा में कि उत्तराध्ययन उसे बहुसूय पूजा, बहुश्रुत पूजा कहकर पुकारता है। इसके अलावा अब बहुत ज्यादा क्योंकि डिटेल ना हो जाए तो एक बार मैं बौद्ध दर्शन पर एक बार और आऊं, जिससे एक बार हम तीनों परंपराओं का एक बार ठीक ठीक रिप्रेजेंटेशन हो जाए। मेरे हाथ में अभी स्टडीज इन बुद्धिस्टिक कल्चर ऑफ इंडिया डॉक्टर लालमणि जोशी जी की ये थीसिस है, और इसमें उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा, यूनिवर्सिटी ऑफ वल्लभी, यूनिवर्सिटी ऑफ विक्रमशिला के बारे में उल्लेख किया है। तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा के बारे में, क्योंकि नालंदा के बारे में बहुत चर्चा चलती है भारत के अंदर, सेंटर्स ऑफ लर्निंग तो दूसरे भी थे, तक्षशिला भी एक बहुत बड़ा सेंटर था, और हम जानते हैं कि आप सभी मेरे वरिष्ठ जन हैं, आप मुझसे अच्छी तरह जानते हैं कि पाणिनि का सारा काम तक्षशिला की तरफ से हुआ, इतना बड़ा व्याकरण का काम वहां से आया। लेकिन नालंदा की बहुत चर्चा चलती है, और पिछले दिनों क्योंकि वहां पर एक दोबारा एक यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश करने की बात चल रही थी तो एक बार फिर से वो चर्चा में आई। यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा के अंदर एडमिशन लेने के लिए क्या सिस्टम था, वहां पर स्कॉलर्स कितने काम करते थे, वहां पर स्टैंडर्ड ऑफ स्कॉलरशिप क्या थे, वहां लाइब्रेरी की फैसिलिटी कैसी थी, और वहां पर जो स्कॉलर्स कौन कौन से प्रोड्यूस हुए, इस पर एक लंबी चर्चा की जा सकती है। लेकिन मैं एक छोटी सी बात यहां पर उल्लेख करूंगा। डॉक्टर लालमणि जी लिखते हैं कि ये मॉन्क स्कॉलर एक्टेड एज अ प्री एडमिशन एग्जामिनर। एक भिक्खु बैठते थे, अगर आपको नालंदा में एडमिशन लेना है, जिसे हम आधुनिक भाषा में एंट्रेंस टेस्ट कहते हैं, तो वो किस तरह से वो जो द्वार पंडित है, वो जो द्वार पर बैठने वाला भिक्खु है, वो क्या काम करता था। He asked some hard questions, many were unable to answer and were refused admission. जो लोग उनका उत्तर नहीं दे पाते थे, भले ही कोई मंगोलिया से आया हो, कोई श्रीलंका से पढ़ने आया हो, अगर वो उस यूनिवर्सिटी के मानकों को फुलफिल नहीं करता तो उसे वापस भेज दिया जाया करता था। और युआन चुआंग लिखते हैं कि those who were deeply versed in old and modern learning were admitted. यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जिनको प्राचीन और आधुनिक दोनों, उस 2000 साल पहले के हिसाब से दोनों प्रकार की शिक्षाओं में, दोनों प्रकार की ज्ञान परंपराओं में महारत थी, उन्हें ही प्रवेश दिया जाता था। ओनली 2 or 3 out of 10 सक्सीडिंग, सक्सेस रेट एडमिशन का 20 या 30% था। तो अभी इसके अलावा जब हम 64 कलाओं की, 91 कलाओं की जब भारत में बात करते हैं, तो वो जो जानकारियां हैं वो हमें मिलती हैं बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर से। मैं सिर्फ एक जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि गीता प्रेस से छपने वाली एक पत्रिका कल्याण को ऐसा शायद ही भारत में कोई धार्मिक घर होगा जो ना पढ़ता हो, और हम ये भी जानते हैं कि वहां से हर साल एक विशेषांक छपता है। तो 1988 में, 1988 में एक ये अंक छपा था, शिक्षांक,
जिस पर आप महर्षि सांदीपनी और भगवान कृष्ण को देख सकते हैं पढ़ते हुए। इसी अंक में डॉक्टर श्री रंजन सूरीदेव जी ने ललित विस्तर में बौद्ध शिक्षा पर एक आलेख लिखा था, जिसमें उन्होंने उन सारी 91 कलाओं की बात की थी जिसे हम आजकल टेक्नोलॉजिकल स्ट्रीम के अंदर गिन लेते हैं। मैं कुछ एक नाम जस्ट मैं आपको बोर करने से बचते हुए, ताकि ये सूचीबद्ध ज्यादा ना हो जाए चीजें, सिर्फ दो तीन यहाँ पर नाम उल्लेख करूंगा कि नृत्य की, गीत की, धौत की, अग्निकर्म की, व्याकरण की, पुराण की, शिखाबंध की, अवयान की, मुष्टिबंध की, उद्यान की, आदि आदि 91 कलाओं की इन्होंने इन्होंने बात की है, जिनकी गणना उस ग्रंथ में उपलब्ध होती है। ये जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि जैसे सर ने अभी अपनी बातचीत में दो शब्दों का उल्लेख किया था जो वैशेषिक दर्शन का बड़ा प्रमुख सूत्र है, ये तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म, कि जहां पर अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों की सिद्धि होती है उसे धर्म कहा गया कण आदि के द्वारा। और अभी जितनी बात हमने पहले की थी वैदिक परंपरा की या जिन शासन में उत्तराध्ययन की या बौद्ध ग्रंथों की, तो ऐसा भी इंप्रेशन चला जाता है कि भाई जब हम प्राचीन भारतीय शिक्षा की बात करते हैं तो सारी बात मोक्ष मार्ग संबंधी विद्या पर आकर अटक जाती है, निःश्रेयस पर आकर अटक जाती है, आध्यात्म पर आकर अटक जाती है। तो उस संबंध में मेरा निवेदन ये है कि प्राचीन भारतीय परंपरा में केवल अध्यात्म का ही नहीं, ये जिसे हम आज की भाषा में टेक्नोलॉजी कहते हैं, जिसे हम आज की भाषा में क्राफ्ट्स कहते हैं, उन सब के ऊपर भी, जिसे हम आज की भाषा में स्किल डेवलपमेंट कहते हैं, उन पर भी पर्याप्त बल दिया जाता था। इसके अलावा यदि कोई पिछले 200-300 वर्षों में जो भारतीय परंपरा इन हजारों सालों के बाद बची रही उसका अगर आप विस्तार पूर्वक वर्णन देखना चाहें, मुझे लगता है मैं समय से शायद कहीं आगे ना जा रहा हूं, मुझे जी साहब मुझे बताते रहिए। हाँ, बस दो चार मिनट और ले लीजिए ताकि फिर हम चर्चा शुरू करेंगे। जी, बहुत ज्यादा विस्तार ना हो जाए इसलिए मैं सिर्फ उल्लेख करना चाहूंगा कि एक बहुत बड़े चिंतक भारत के धर्मपाल जी ने इंग्लैंड में रह करके बहुत सारे ब्रिटिश कालीन दस्तावेजों का अध्ययन किया जब वो भारत में आए थे, और उसके आधार पर परंपरागत भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर एक पुस्तक लिखी, द ब्यूटिफुल ट्री। उसकी बहुत चर्चा अकेडमिक सर्कल्स में हुई है, और उसमें हम ये देख सकते हैं कि भारत के अंदर किस तरह मंदिरों में चलने वाली शालाओं में, तो खासतौर पर दक्षिण भारत में, शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी। तो एक बार समराइज करते हुए, बहुत सारी चीजें यहाँ पर रह भी गई हैं, जैसे सिर्फ मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि धर्मशास्त्र की पूरी स्टडी के लिए डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे जी ने हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र लिखी है, इसका हिंदी अनुवाद उत्तर प्रदेश हिंदी अध्ययन संस्थान से छपा है, 5 खंडों में यह ग्रंथ है। उसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि जब कोई स्टूडेंट अपनी शिक्षा को पूरी कर लेता है तो उसे स्नातक कहा जाता है, और वो समावर्तन एक संस्कार होता है जिसे हम आजकल की भाषा में यूनिवर्सिटी सिस्टम के अंदर कॉन्वोकेशन जैसा कुछ कह देते हैं। तो इस पूरी की पूरी चर्चा को समाप्त करते हुए यहाँ पर दो तीन बातें कहना चाहूंगा। नंबर एक बात तो ये कि नैक की जो पूरी की पूरी व्यवस्था वर्तमान में हुई है वो जिस दौर के अंदर हुई है, खासतौर पर पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के अंदर, स्वातंत्रोत्तर काल के अंदर, वो पूरा का पूरा पीरियड इंडस्ट्रियलाइजेशन को ध्यान में रख करके शिक्षा व्यवस्था को फ्रेम कर रहा था। हालांकि जितनी एजुकेशन कमीशन हैं, कोठारी कमीशन हो या आपके दूसरे कमीशन हो, यशपाल कमेटी हो, ये तमाम कमीशन कहने को ये जरूर कह तो रहे थे कि ऑलराउंड डेवलपमेंट होगी, हमारा जो मूल उद्देश्य है एक जो है एक होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग है, लेकिन इन सब बातों के बावजूद जो दृष्टि रही वो दृष्टि यही रही कि जॉब ओरिएंटेड एक स्टडी हमारे पास, एक स्टडी विद्यार्थी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के अंदर कर पाए, स्कूल्स के अंदर भी, उसके अलावा पॉलिटेक्निक्स और इंजीनियरिंग कॉलेज का एक वैकल्पिक ढांचा, समानांतर ढांचा साथ साथ चलता रहता है। तो एक तो ये बात ध्यान में रखने की है, और ये बात मैं रेखांकित करना चाहूंगा कि जो क्राइटेरिया अब बन रहे उस क्राइटेरिया के मूल में जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन आज हैं वो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन एम्प्लॉयबिलिटी से बहुत प्रभावित हो रही है। और मैं ये नहीं कहता कि एम्प्लॉयबिलिटी नहीं होनी चाहिए, इतनी भारी बेरोजगारी है तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रत्येक परिवार के ऊपर अर्थोपार्जन करने का, कुछ ना कुछ अर्न करने का दबाव है, लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि प्राचीन भारत के अंदर इस तरह के दबाव से शिक्षा नहीं जूझती थी। दूसरी बात, भारत के अंदर मोक्ष मार्ग की शिक्षा
और अभ्युदय की शिक्षा, दोनों शिक्षाएं पैरेलल चल रही थी, और उसमें मोक्ष मार्ग की शिक्षा ने अभ्युदय मार्ग की शिक्षा पर हमेशा एक ऊंचा स्थान रखा जो कि अब नहीं है। मैं इस बात को दोबारा दोहरा दूं, ये बात कहनी मेरे ख्याल बहुत जरूरी है कि जब हम प्राचीन भारत की बात करते हैं तो वो प्राचीन भारत की शिक्षा व्यवस्था कुछ गुरुकुलों को छोड़कर जो काशी में या राजस्थान में या दक्षिण भारत में चल रहे हैं, तो मेन स्ट्रीम से बाहर हो गई है पूरी की पूरी बात। तो उस पर बुनियादी रूप से उसकी आलोचना यही थी कि वो पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था अध्यात्म परक थी। मेरा कहना यह है कि वो केवल अध्यात्म परक नहीं थी, उसमें लोक संबंधी विषयों की शिक्षा तो दी जा रही थी, शिल्प की शिक्षा भी हो रही थी समुदायों के अंदर, धनुर्वेद की शिक्षा भी हो रही थी, स्थापत्य की शिक्षा भी हो रही थी। मान लिया जाए कि एक मिस्त्री स्थापत्य मंदिर बनाता है तो ग्रंथ लिखे जा रहे थे, राजवल्लभ वास्तु शास्त्र है, मानसोल्लास है, वास्तुद्धार धोरणी है, ये शिल्प शास्त्र के ग्रंथ कैसे लिखे जा रहे थे? ये शिल्प शास्त्र के ग्रंथ तभी तो लिखे जा रहे थे कि आपके पास कलाओं की शिक्षा बाकी थी, लेकिन उन कलाओं की शिक्षा ने, उन क्राफ्ट की शिक्षा ने अध्यात्म मार्ग की शिक्षा को डिस्प्लेस नहीं किया। उसके डिस्प्लेसमेंट से, जो डॉक्टर आंगिरस ने कहा योग और क्षेम की बात की, उसके डिस्प्लेसमेंट से हुआ ये है कि आपका क्राइटेरिया पूरा का पूरा पलट गया है। इसलिए प्राचीन भारत के साथ हम उसकी बात करते हुए भी कोई तादाद में नहीं बैठा पाते। बहुत विस्तार हो गया है, मैं अब रुकूंगा। और डॉक्टर साहब जी, धन्यवाद अमन जी, बहुत बेहतर तरीके से, बड़े सुव्यवस्थित रूप में आपने चीजों को प्रस्तुत किया। हालांकि समय की सीमा तो है ही है, लेकिन फिर भी आपने जितनी जानकारियां, जितनी सूचनाएं हमें दे दी हैं और जिस व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किए हैं, उससे हम इस मार्ग पर काफी अग्रसर हो सकते हैं। एक पृष्ठभूमि आपने बहुत अच्छी तैयार कर दी है और आपका उसके लिए बहुत बहुत आभार। और अब जो है वो, जैसा कि हमारा कार्यक्रम है ही है कि ओपन हाउस डिस्कशन के लिए, आप लोग अपनी अपनी टिप्पणी दे सकते हैं, अपना अपना परिचय दे करके, क्योंकि सभी से मेरा परिचय नहीं है, लेकिन जिनसे होगा वो तो ठीक है, लेकिन सभी के लिए। तो आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। महेंद्र कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं शायद सबसे पहले। हेलो जी, जी सर। हाँ जी सर, मैं ऑनलाइन, मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है सर। हाँ जी, आ गया सर। हाँ जी, हाँ जी, आप अपने। हाँ हाँ सर, मेरा सर मार्क इसमें ये है कि भाई साहब, अमन साहब ने काफी अच्छी बातें रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन नैक में जो चीजें होनी है वो ये है कि सिंथेसिस ऑफ सेल्फ नॉलेज इन मॉडर्न एजुकेशन विद मटेरियल प्रोग्रेस, वो चीज आनी है। उसके लिए क्या फंडामेंटल चेंजेस हो इंस्टीट्यूट्स में, यूनिवर्सिटीज में, सिलेबस में, एग्जामिनेशन मेथड में, क्योंकि एजुकेशन का जो बेसिक लक्ष्य रहा है भाई साहब, और जो रहेगा यूनिवर्सल जो बात है, लक्ष्य है, वो है सेल्फ नॉलेज। तो सेल्फ नॉलेज हमने अपनी सारी साइंटिफिक मटेरियल प्रोग्रेस के माध्यम से करनी है, और उसके लिए अगर इस एज की अगर हम देखें, जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट हैं वो इसलिए हैं कि आदमी ने, इंसान ने, एजुकेशन ने सेल्फ नॉलेज को छोड़ दिया है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को छोड़ दिया। और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का मतलब ये नहीं है कि कॉमर्स नहीं होना चाहिए, इंडस्ट्री नहीं होनी चाहिए। अब हमें वो चीज सीखनी होगी कि इस कॉमर्स इंडस्ट्री में, मॉडर्न प्रोग्रेस में, सेल्फ नॉलेज का सिंथेसिस कैसे हो, और उसके लिए इंस्टीट्यूशनल फंडामेंटल चेंजेस क्या हो कॉन्स्टिट्यूशनल, उसके लिए नैक को गौर करना होगा। और उसके लिए मैंने आपको एक कार्यक्रम भी ईमेल किया था, बेसिक जो बातें हैं, और मैं इतना ही आपका समय लूंगा, ठीक है? हम अभी आपकी दोबारा भी बात सुनेंगे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण बात है। देखिए, ये एक अनौपचारिक चर्चा का सत्र है, तो इसलिए आप स्वयं अपने आप को अनम्यूट करके अपनी बात रखें तो ज्यादा अच्छा है। और हमारे साथ फिलॉसफी डिपार्टमेंट से डॉक्टर प्रोफेसर सुभाषनी बारिक जी भी जुड़े हुए हैं, और डॉक्टर रविंद्र जी आप कुछ कहना चाहेंगे? आशुतोष जी, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, या बहुत कट कट के आ रही है।
मेरी आवाज कट के आ रही है? आप अपने को अनम्यूट करें सर। आ रही है आवाज तो ठीक आ रही है सर। सर आप अपने को अनम्यूट करें, या डॉक्टर जयप्रकाश जी या आप में से जो भी अपनी बात रखना चाहता है अभी रख सकते हैं, और ये ओपन हाउस डिस्कशन है, जो भी आप महसूस करते हो, जो जैसा आपको लगता हो। डॉक्टर आनंद गुरिये जी, आप सर कोई अपनी बात रखना चाहेंगे? जरूर, धन्यवाद जी। जी डॉक्टर साहब, अपना परिचय दे करके अपने संक्षेप सा और हाँ। अपनी बात हमारे साथ रखते हैं। आनंद गुरिये, एक अभ्यासक हूँ एंशंट विजडम का। ऋषि मुनियों ने जो मेथड्स या प्रोसेसेस लिखी हुई है उनका रिसर्च करता हूँ, और आज के दिन में वो कैसे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, या हाउ वी कैन यूटिलाइज दोज मेथड्स एंड प्रोसेसेस एंड द नॉलेज इन डे टू डे लाइफ इज माय सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। यहाँ पे दो टिप्पणियाँ हैं। एक, एंशंट विजडम में दो चीजें हुआ करती थी, आज के तारीख में कोई भी सब्जेक्ट में 35 मार्क पासिंग के लिए जरूरी होते हैं। तो डिग्री से लेके डिग्री तक कोई भी स्टूडेंट 35 मार्क लेके आगे आगे चलता है, तो जब वो ग्रेजुएट होता है तभी भी 35 मार्क लेता है, इसका मतलब ये हुआ कि उसके सब्जेक्ट में 65% अज्ञान लेके वो बाहर निकला है। जबकि दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, ठीक है ठीक है बात। जबकि एंशंट विजडम में द पासिंग मार्क वॉज 100%। अगर आप महाभारत या रामायण की बात करें तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भीम को धनुष बाण की शिक्षा ही न दी हो या तलवार चलाना सिखा ही नहीं हो, उसने वो सब सीखा है, 100% सीखा है। उसके बाद गदा चलाना 200% सीखा है। तो देर वॉज 100% पासिंग मार्क इन द बेसिक लेवल। और ये बात धर्मपाल जी ने भी उनके पुस्तक में लिखी हुई है, द ब्यूटीफुल ट्री। दूसरी बात, पीयर एजुकेशन। आज के तारीख में पीयर एजुकेशन को बिल्कुल महत्व नहीं दिया जाता कि स्कूल में द टीचर टीचेस स्टूडेंट्स लर्न, बट इन एंशंट टाइम्स टीचर्स यूज्ड टू टीच बट स्टूडेंट्स यूज्ड टू लर्न मोर फ्रॉम देयर पीयर्स। यस यस। और इसका एक उदाहरण जो है कि अर्जुन का कॉन्सेंट्रेशन वॉज वीक विच ही लर्नड एंड इम्प्रूव्ड बाय आस्किंग भीम अगेन एंड अगेन इन महाभारत। तो ये आज होना चाहिए, क्योंकि एक स्टूडेंट जब दूसरे को सिखाता है तो दूसरा स्टूडेंट, बिकॉज देर इज नो जनरेशन गैप, इट इज अंडरस्टूड मच बेटर। एट द सेम टाइम द स्टूडेंट टू टीचेस ही अंडरस्टैंड्स द सब्जेक्ट मच बेटर बिकॉज ही कैनॉट पुट इट फॉर ऑप्शन। एग्जैक्टली। अगर हर स्टूडेंट ने पूरा सब्जेक्ट किसी को सिखाया तो उसको सब्जेक्ट आना ही चाहिए अच्छी तरह से, क्योंकि वो कुछ ऑप्शन को नहीं डाल सकता। Right. तो ये दो चीजें नैक में किस तरह से कर सकते हैं मुझे पता नहीं। और आशुतोष अंगिरस जी ने जो शुरुआत में बताया कि अगर आपका ग्रेड सेम है तो क्या आपका ज्ञान भी सेम है, ये मैं विद्यार्थियों के तरफ से देखूंगा कि मुझे 35 मार्क है एक सब्जेक्ट में और दूसरे को भी 35 मार्क है तो मेरी लेवल और उसकी लेवल सेम है क्या, बिकॉज माई 35 मार्क्स मे बी बिकॉज ऑफ कॉन्सेप्चुअल नॉलेज एंड हिज 35 मार्क्स मे बी जस्ट रट्टा मार के उसने मिलाए होंगे। इन दैट केस हम लोग 35 के ही है मगर हमारी बुद्धिमत्ता सेम नहीं है। आई मे बी ट्रेनेबल, द अदर पर्सन मे नॉट बी ट्रेनेबल। इन फैक्ट दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स टूडे दैट सो मेनी इंजीनियर्स कम आउट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस एंड हु आर अनएम्प्लॉयबल बिकॉज दे डू नॉट नो द बेसिक्स ऑफ इंजीनियरिंग। आई एम अ इंजीनियर सो आई कैन से अबाउट दिस, आई डू नॉट नो अबाउट अदर डिसिप्लिन। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। दिस इज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। ठीक है कि 35% वाला। डॉक्टर रेखा नवनी जी, यू हैव रेज्ड द हैंड, प्लीज। या, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग माय क्वेश्चन। एंड आल्सो आई एम डॉक्टर रेखा नवनी, आई टीच फिलोसफी इन गार्गी कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। I'm an associate professor there, and I also happen to have been the co-coordinator in my college for NAC, the first round of NAC cycle. So that is what got me interested. And also thanks to Subhasini, who's a friend of mine, who introduced me to this panel. So I
I would supplement what my previous panelist, Dr. Anand Gurea, has said, that we are focusing more on the marks. We are focusing more on the quantifiable parameters rather than the understanding of a lived tradition. जबकि इंडियन फिलोसफी या इंडिया का जो पारंपरिक ज्ञान है वो एक लिव्ड ट्रेडिशन के ओर है. सो अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैज हैपेंड व्हाइल वी वर डूइंग नैप इन आवर कॉलेज आल्सो एंड दिस वाज द पॉइंट व्हिच वाज ऑफन रेज्ड इन द कॉलेज दैट वी नाउ हैव नैक देन वी गॉट एनआईआरएफ देन वी विल हैव सम अदर बॉडी टू असेस. सो आर वी गोइंग टू बी ओनली आंसरिंग टू दीज असेसिंग बॉडीज or are we really going to improve in education per se with the main focus of education, that is seeking excellence, pursuing excellence? We are in a way, because of these assessing parameters and bodies, which are almost like a regulating body, regulatory bodies, we are losing that focus. So this is just a point which I wanted to add from my personal experience. Thank you, ma'am. And this is a very relevant point. Rather, it is a concern, serious concern. We all are losing flavor in our teaching. Absolutely. And, we are coming under stress to perform in a certain manner. But it's okay. We will take up this issue. Right. Thank you. Ji, Dr. Ravindra ji, Ravindra Kumar Gupta ji, sir. Haan ji, sir. Ji. सॉरी सर, एक तो आज मेरी बहुत ज्यादा ऑडिबल नहीं थी, बहुत ज्यादा सुन नहीं पाया मैं जी, इसलिए मैं किसी पर तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं केवल अपने एक्सपीरियंस से कुछ बातें शेयर करना चाह रहा हूँ. मुझे लगता है वो रेलेवेंट भी है या नहीं आज के उसमें, क्योंकि जो पैरामीटर बदल गए हैं नैक के वो भी मेरे को ज्यादा नहीं मालूम, लेकिन मैं केवल एक बात जानता हूँ को लेकर कि क्या हम, पहला प्रश्न है मेरा कि एज ए टीचर क्या हम क्लास में ग्रुप डिस्कशन को बढ़ावा देते हैं, नहीं देते हैं? कुछ मैं समझता हूँ कि यदि हमने एजुकेशन को अपग्रेड करना है तो वहाँ पर एक रेगुलर कंटेम्परेरी प्रॉब्लम्स के ऊपर, चाहे वो कोई साइंस का है या आर्ट्स का या कॉमर्स का है, इसे मल्टी डिसिप्लिनरी बनाना होगा. और उसके लिए बेस्ट तरीका यही है कि हम अपनी अपनी क्लासों में, जैसे मान लीजिए मैं सोशल साइंस पढ़ाता हूँ तो कुछ साइंस का भी उसके साथ टीचर को जोड़ा जाए, ये तो मेरा ये सुझाव है सर. दूसरा जो मैं देख रहा हूँ, मेरा आरोप नहीं है सर बिल्कुल भी, लेकिन एक एक्सपीरियंस है कि जब से ये नैक आई और एक एपीआई स्कोर का सिस्टम आया है, जैसा कि मेरे से पहले मेरी बहन ने बोला भी है कि ये जो क्वांटिफाई कर रहे हैं ना हम नॉलेज को, वो नॉलेज को क्वांटिफाई नहीं कर रहे हैं सर. वो तो वही है कि एक ने पूछा कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, बोले 20 साल, दूसरा बोले नहीं सर 1 साल का एक्सपीरियंस है, 20 times उसको रिपीट किया गया. आज तो बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस का दिन है मुझे लग रहा. तो वो जो है वो इसलिए सर कि मैं अपना अनुभव से बात कर रहा हूँ सर इस समय. जी जी बिल्कुल ठीक है. तो मैंने देखा है एक दो बार जब मैं इस लाइन में था, रिटायर नहीं हुआ था तब जी, एक इंटरेस्टिंग बता रहा हूँ सर, एक लेक्चर के अपॉइंटमेंट के लिए मैं पैनल में था सिलेक्शन कमेटी के, तो वहां पर मैंने देखा एक विद्यार्थी कैंडिडेट के 3 रिसर्च पेपर एक ही डेट में छपे हुए 3 अलग अलग जर्नल्स में जी, और उन रिसर्च पेपर्स का जो साइज था, जब कभी मैं रिसर्च करता था तो जो मेरा एब्स्ट्रैक्ट होता था, एब्स्ट्रैक्ट बड़ा होता था उसके पेपर से. तो ये आजकल मैं, मेरे पास भी आती है सर कितने बार फोन कि सर हमारा जो है जो जर्नल है बड़ा रिप्यूटेड है, ये है वो है, और इसमें जो है फाइनेंशियल है. तो मैंने पूछे भी आप, मैं रिसर्च पेपर लिखूंगा दूंगा आपको तो मुझे क्या देंगे आप? बोले सर नहीं नहीं हम आपको नहीं देंगे, आप हमें देंगे. ठीक है बात सर. तो अब यदि मैं पेपर लिखवा लूं और रेट है सर बड़ा तय है, मुझे ये नहीं समझ पड़ती कि नैक या यूनिवर्सिटी यूजीसी या जो भी हैं वो इस तरह के सर जनरल्स के ऊपर कहाँ रेगुलेट कर रहे हैं,
उनको नंबर कैसे मिल रहे हैं, जो ISBN नंबर ये वो मिल जाता है। तो ये जो भ्रष्टाचार है जब शिक्षा में होगा तो ये न्यायिक और ये सब बेकार की बातें होकर रह जाती हैं सर, मेरे मानना तो ये है। क्योंकि जब तक आप टीचर की क्वालिटी को एश्योर नहीं करेंगे तो आप विद्यार्थी की क्वालिटी को कैसे एश्योर कर सकते हैं जी, इसके ऊपर भी विचार होना चाहिए। और बिल्कुल। और एक अंतिम बात मैं कहूंगा जी, सोचने के लिए सर प्रश्न है मेरा कि क्या हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली आज के युग में लागू भी की जा सकती है। क्योंकि दो बातें हैं उसमें सर, प्राचीन शिक्षा प्रणाली सभी के लिए नहीं थी, वो एक वर्ग विशेष मतलब जाति से नहीं है, जो पढ़ने में इच्छुक था उनके लिए थी। आज हम क्या कह रहे हैं, हर एक जगह पर हमने डिग्रियों लगा दी हैं तो हम शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे हैं, हम शिक्षा के नाम पर डिग्रियां ले रहे हैं। जैसे अभी कहा कि एम्प्लॉयबिलिटी भी हाई है, जो इंजीनियर साहब ने वो बिल्कुल सही कह रहे थे। और दूसरा, आज के भौतिकवादी युग में जहां इतना हो रहा है तो क्या ये संभव है। और तीसरी बात, अंतिम बात कह रहा हूं मैं, कि आजकल मैं देख रहा हूं कि कॉलेजों में ऑटोनोमी की एजुकेशन की बात हो रही है और खासकर जो नई शिक्षा नीति आ रही है, लेकिन उसमें नैक भी है वो भी शामिल है, क्या प्राइवेटाइजेशन से ठीक शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, अथवा प्राइवेटाइजेशन आने से एक ओर शिक्षक का शोषण और दूसरी ओर समाज का बहुत बड़ा वर्ग शिक्षा से वंचित हो जाएगा जी। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि जैसा आपके विषय भी था, एक सुझाव है सर मेरा जी, कि हमें अपने प्राचीन ग्रंथों से कह देने से नहीं सर, उसको हमें बांटना पड़ेगा, अपने विद्वानों को जोड़ना पड़ेगा, जो जो अपने अपने विषय के हैं वो कुछ लिखें और उनको, जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं मैं सर, हरियाणा कुरुक्षेत्र गीता की भूमि है तो गीता पर शोध कार्य यहाँ पर हो, दूसरे राज्यों में जाए। रामायण आप उत्तर प्रदेश के विद्वानों से ले सकते हैं, तो इन इसी प्रकार से तेलुगु में भी साहित्य है, तमिल में भी है, मलयालम में भी है, पंजाबी में भी है, तो क्यों ना इनके ऊपर शोध कार्य करवाकर तो दूसरी भाषाओं में अनुवाद कराया जाए जी। तब मैं सोचता हूँ कि हम अपनी बात को ज्यादा अच्छे ढंग से विद्यार्थियों तक, आने वाली जनरेशन तक बता पाएंगे, अन्यथा ये लाइब्रेरी बंद होकर रह जाएगा जी। धन्यवाद सर। डॉक्टर सुभाषनी बारिक जी। सर नमस्कार, दिस इज सुभाषनी बारिक फ्रॉम देशबंधु कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट थैंक यू फॉर सेंडिंग मी दिस इनविटेशन एंड गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन दिस प्लेटफॉर्म। एंड डेफिनेटली व्हेन इट इज रिगार्डिंग NAAC, we all are having our bitter as well as the pleasant experience of NAAC. Coming back to Dr. Amanji's viewpoints, of course, he has cited very good things about Vedic Siksha Pranali and Parampara and Sraman Siksha Parampara. Here, I can say that though that particular aspect is very useful, very effective in that way, but I would like to draw all of our attention that the socio-economic psyche of that particular Vedic time and the socio-economic psyche of every individual at this particular point of time are entirely different. So when we want to apply that kind of evaluative procedure at this point of time, it will be different, definitely, because to me, at that Vedic parampara, I mean, at that Vedic period, people were not that kind of self-centric the way I think maximum individuals are self-centric. And earlier at that period, every individual was imparting, I mean,
was after knowledge. They were really the seeker of knowledge, which is not at this point of time. Very few, few people are really interested to get knowledge. Yes. Rather, we are here. We are after education. We are going through the higher education to get to earn good lucrative amount. That is the so when intention and motives are different, naturally the evaluative procedures are being affected accordingly. Because here also we can see that you have very well discussed how these things are being happening through the NACD. Very fast question of your comparison between Amity and JNU. It is really a very interesting one, that how JNU and Amity are being compared when they are having same grade. So these are two, three things which are really need to be taken care of. So accordingly we need to set our evaluative process. And second thing which before me professor was saying, that a teacher, if you'll ask me, if I'm really honest and sincere to my classroom, I cannot have time to provide a good article in a journal which is required for UGC evaluation, which is not possible. Because I'm giving my honesty. So these things are. So here there is the person who is getting a professorship and the person who is in the assistant grade are being compared in this evaluative procedure according to NAC, according to UGC gradation, which are very, very, very different and very critical to review. Yes. These are certain concerns. Thank you so much, sir. Thank you, ma'am. Dr. Jayaprakash Gupta ji, then Dr. Manohar Lal ji, थोड़ा समय का थोड़ा ब्रीफली एंड टू द पॉइंट अगर बात हो जाए तो सभी को मौका मिल जाएगा, क्योंकि फिर उसके बाद हमने जो है वो प्रेसिडेंशियल एड्रेस के लिए आमंत्रित करना है। जी डॉक्टर जयप्रकाश जी, नमस्कार सर। जी हाँ जी, स्वागत है सर। नमन, मैं मूल रूप से चिकित्सक हूँ, शिक्षक नहीं हूँ। इस नाते मैं सीधे सीधे नैक से या उस प्रकार की कॉलेज या स्कूल की शिक्षा से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, किंतु मेरा एक अनुभव अवश्य रहा है। मैं कुछ समय एक कॉलेज का चिकित्सक रहा हूँ और साथ साथ मैंने शिक्षण भी किया है। और एक ऐसे समय में मैं रहा जब नैक की इंस्पेक्शन कॉलेज में हुई, तो वो दृश्य मैंने देखे हैं। जब कॉलेज में नैक की इंस्पेक्शन के लिए प्रिंसिपल को बहुत अच्छा ग्रेड लेना है, तो किस प्रकार से कॉलेज के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैच वर्क किया गया। मेरा समय कॉलेज में जाने का 1-2 था, लेकिन जिस दिन उन डिपार्टमेंट्स की इंस्पेक्शन होनी थी, वहाँ पर नैक की टीम ने 11 बजे पहुँचना था, तो किस तरह से मेरी ओपीडी से मुझे जबरदस्ती खींच कर कॉलेज में बुलाया गया कि नहीं डॉक्टर साहब, आपने आना ही आना है। जिस प्रिंसिपल ने मुझे अदरवाइज कभी फ़ोन नहीं किया, उस प्रिंसिपल ने 2 बार फ़ोन किया, और बाकी कॉलेज की फैकल्टी ने बार बार फ़ोन, नहीं डॉक्टर साहब आ जाओ, नहीं नहीं आ जाओ। मैंने कहा मैं तो टाइम मेरा 1-2 है, मैं क्यों आ जाऊँ, मैं तो उसी टाइम आऊँगा। लेकिन अल्टीमेटली खैर मैं गया और वो प्रिंसिपल सक्सेसफुल हुए और उन्हें बहुत अच्छा ग्रेड उनके कॉलेज को मिला, और आज वो IAS ऑफिसर हैं। तो इस प्रकार से नैक की जो एक क्रेडिटेशन की पॉलिसी है और कैसे उसके लिए अपना ग्रेड लेने के लिए दौड़ भाग की जाती है, उसका मैं प्रत्यक्ष दर्शी रहा हूँ। अपनी बात मैं शेयर करते हुए, और अमन जी ने जो प्रस्तुति यहाँ पर दी है, मैं उनको साधुवाद देता हूँ।
और एक एक शब्द उनका ग्रहण करने योग्य था, इन शब्दों के साथ धन्यवाद। डॉक्टर मनोहर लाल जी। हाँ नमस्कार सबको। नमस्कार। पहले तो मैं डॉक्टर आशुतोष अंगिरस जी और अमनदीप वशिष्ठ को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपना पक्ष हमारे सामने रखा। मैं भी फिजिक्स का प्रोफेसर रहा हूँ और वाइस चांसलर कोटा यूनिवर्सिटी रहा हूँ, लेकिन अभी रिटायर हुए मुझे 12 वर्ष हो गए हैं। तो, जी मेरा जो रुचि है वो साइंस और स्पिरिचुअलिटी को सिंथेसाइज करना है या एक को दूसरे के साथ समझना है। उस संबंध में विशेषकर कश्मीर शैविज्म पर और मॉडर्न साइंस क्वांटम मैकेनिक्स पर मैंने थोड़ा काम किया है जी। और कुछ पेपर्स पब्लिश भी हुए हैं। उसमें ना जाते हुए मैं जो अमनदीप वशिष्ठ ने कहा कि पहले भी प्राचीन भारत में अभ्युदय और निश्रेयस दोनों पर जोर था, लेकिन निश्रेयस का हमेशा अभ्युदय पर अपर हैंड था, इसलिए हमारे प्रति ये धारणा पूरे विश्व में बनाई गई कि हम केवल निश्रेयस या भगवान को मानते हैं, पूजा पाठ धर्म को मानते हैं और साइंस में हम बहुत पिछड़े हुए। लेकिन अभी पिछले कुछ वर्षों से ये काफी ध्यान में आया है और काफी रिसर्च भी हो रही है कि हम विज्ञान में भी आगे बढ़े हुए थे, लेकिन दुर्भाग्य से अभी नैक की ग्रेडिंग में भी और अन्य स्थानों पर भी जहाँ जहाँ इंस्पेक्शंस होते हैं वहाँ उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता और केवल अभ्युदय स्किल डेवलपमेंट या पाठ्यक्रम डेवलपमेंट फैकल्टी वगैरह पर भी इतना ध्यान नहीं है। तो मेरे ध्यान में जो बातें आई हैं, एजुकेशन वर्सेस कैरेक्टर, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है आज कि जो एजुकेटेड लोग हैं वो ही काफी गलत चीजें करते हैं जी। चोरी करना है, कहीं किसी का मर्डर करना है, उसमें आप देखें तो इंजीनियर और डॉक्टर्स और बाकी पढ़े लिखे लोग मिल जाएंगे। दूसरी चीज है पीस ऑफ माइंड वर्सेस मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट। हर कोई चाहता है मेरे पास मकान हो, गाड़ी हो, कई गाड़ियां हो, लेकिन पीस ऑफ माइंड की कोई बात नहीं करता है। इसी तरह आपके साइंस एजुकेशन और विस्टम ऑफ सॉल, जिसको हम प्रज्ञा कहते हैं, प्रज्ञा की बात कोई नहीं करता, केवल रीजनिंग पर और साइंस के नॉलेज पर ज्यादा जोर है। इसी तरह प्रोफेशनल एक्सेलेंस वर्सेस सोशल कमिटमेंट। यूनिवर्सिटीज में बहुत अच्छा काम करने वाले आपको मिल जाएंगे, लेकिन सोशल अगर काम करने के लिए कहा जाए तो वो तैयार नहीं होंगे या उनके पास टाइम नहीं है। तो मेरा ये सुझाव है कि 9 चीजें आपने बताई कि प्राचीन भारत की यूनिवर्सिटीज में या वैदिक परंपरा में 9 चीजें नैक की कसौटी पर कसी जाती थी जी, जी। उसमें अधिकांश चीजें जो हैं वो होलिस्टिक डेवलपमेंट से आधारित हैं या साइकोलॉजिकल या मन पर आधारित हैं, हेल्थ पर आधारित हैं, इन सब पर हैं, और जो अभ्युदय की चीजें हैं वो थोड़ी कम है। इसमें एनवायरमेंट वगैरह सब है, लेकिन अभी जो नेक ग्रेडिंग दे रही है उसमें इन चीजों, ये चीजें नदारद हैं, मानसिक चीजें, साइकोलॉजिकल चीजें या आध्यात्मिक चीजें जी। लेकिन अब हम देखें तो विज्ञान धीरे धीरे अपने भारतीय अध्यात्म के नजदीक आ रहा है। आज कॉन्शसनेस के ऊपर पूरे वर्ल्ड में कई कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, उनको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, कॉन्शसनेस को साइंस के अंदर लाया जा रहा है, साइंस को कॉन्शसनेस के साथ जोड़ा जा रहा जी, है जी, जी। लेकिन दुर्भाग्य हमारे जो योग शास्त्र हैं या आयुर्वेद है या शास्त्रीय संगीत है उस पर काफी रिसर्च हुई है वेस्टर्न साइंस में, और अधिकांश बल्कि 100% उनमें सही पाई गई है जी। तो ये जो नेक, खास करके ये वार्ता नेक पर केंद्रित है, लेकिन अब आप प्रेम, करुणा, दया इत्यादि चीजों को कैसे क्वांटिफाई करेंगे, कैसे नापेंगे? मान लो नेक्स्ट टीम कहीं गई और वो ये जानना चाहे कि भाई यहाँ की फैकल्टी कितनी चरित्रवान है या यहाँ के स्टूडेंट्स कितने चरित्रवान हैं या करुणाशील हैं या एक दूसरे की मदद करते हैं, उनको मार्क्स में या ग्रेड्स में तो नापा नहीं जा सकता। तो साइंस में भी ये चीज अब आई है, क्वांटम मैकेनिक्स में खास करके, एंटेंगलमेंट ऑफ ऑल चीज, सभी चीजें परस्पर जुड़ी हुई हैं। और दूसरा ये कि क्वालिस, उन्होंने एक शब्द
गढ़ा है कि जिन चीजों को हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते उनको क्वालिटी के आधार पर जी कहीं किसी लेवल पर रखकर उनका मूल्यांकन करें। तो नेक को भी ये सोचना पड़ेगा कि भाई कैरेक्टर है, पीस ऑफ माइंड है, या विस्टम की बात मैंने की, या सोशल कमिटमेंट है, इनको बिना क्वांटिफाई किए या एक स्केल भी बनाया जा सकता है जैसे ग्रेड्स में होता है जनरली, तो उस तरह करके उन चीजों को भी उचित स्थान या साइकोलॉजिकल फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट, चाहे वो साइंस का विद्यार्थी हो उसमें कितना हुआ है, ये सब चीजें नेक को अपने अंदर लेनी चाहिए जी, उसके आधार पर पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए जी। क्योंकि धीरे धीरे साइंस साइंस हो, फिलोसॉफी हो, साइकोलॉजी हो, ये सब चीजें इंटर रिलेटेड हो रही हैं। अभी इंटर रिलेशन की भी बात हुई थी, अंगिरस बताया था, तो ये सब चीजें नजदीक आ रही हैं और भविष्य ऐसा आने वाला है कि उसमें भारत का रोल बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन दुर्भाग्य से हम अपनी चीजें भूलते जा रहे हैं या उनकी भूलते जा रहे हैं, और वेस्टर्न साइंस तेजी से उनके एक्सपर्ट्स अपनी ओर आ रहे हैं। तो इन सबका ध्यान रखते हुए हमें नेक का पुनर्गठन, नेक के जो क्वालिटी मेजर्स हैं या स्केल्स हैं उनका पुनर्गठन करना चाहिए। धन्यवाद धन्यवाद सर, और निश्चित रूप से आपके साथ हम संपर्क भी करेंगे, और कश्मीर शैविज्म से आप हैं संबंधित तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, तो निश्चित रूप से आपसे दोबारा बातचीत होगी, संपर्क में रहेंगे ताकि उस विषय पे भी हम बात करें। बहुत ब्रीफली आनंद जी अपनी बात रखें, और उसके बाद मैं आज के प्रेसिडेंशियल कमेंट्स के लिए प्रोफेसर डॉक्टर गिरीश्वर मिश्र जी को आमंत्रित करूंगा, और उसके बाद वोट ऑफ थैंक्स के लिए डॉक्टर रंजू त्रिहेन जी जो कन्वीनर हैं IQAC आर्या गर्ल्स कॉलेज की, वो उसके लिए रहेंगे। सीके झा जी आप पहले अपनी बात रख लीजिए आनंद जी, उसके बाद आप अपनी बात रख लीजिए। ठीक सर, मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना, जैसे अभ्युदय और निस्त्रेस की बातें हुई, फिर इसके बाद में अमनदीप जी ने ये हमारी जो अर्थ परंपरा है, हमारी वैदिक परंपरा, श्रुत परंपरा, फिर बहुश्रुत परंपरा इत्यादि पर उन्होंने बहुत सुंदर व्याख्यान दिया, मुझे बहुत ही बहुत इम्प्रेसिव उनका व्याख्यान रहा। मैं थोड़ा नेक के संदर्भ में थोड़ी सी मेरी जिज्ञासा है कि नेक ऑथोरिटी जो है वो बेंगलोर में है और हमें 70% जो वर्क है वो सब आप कह ही रहे हैं कि वो सब चलता है कि वैसे ही फोटोग्राफ और वो सारे कुछ मैनेज वगैरह करके होता है। एक जो हमारी प्रॉब्लम क्या है, बेसिक प्रॉब्लम जो है आज के संदर्भ में अगर नेक्स्ट को लेकर किया जाए, तो अपॉइंटिंग ऑथोरिटी कोई अन्य एजेंसी है। हमारे कॉलेजेज में 5-5, 7-7 वर्षों से जो है ना पोस्टें खाली रहती हैं, और जिस डिपार्टमेंट में टीचर्स नहीं है एडहॉक अपॉइंटमेंट हैं, तो ये नेक की जिम्मेवारी होनी चाहिए, एक ही ऑथोरिटी को जिम्मेवारी होनी चाहिए कि आप डिपार्टमेंट वाइज जो टीचर्स अपॉइंट करते हैं उसमें जैसे ही एक रिटायर्ड हो तो एक समय सीमा निर्धारित हो, उतने दिनों के अंदर में फ्रेश रिक्रूटमेंट हो जानी चाहिए ताकि वो जो इंस्टीट्यूशन का जो इन्वायरमेंट है वो एजुकेशनल इन्वायरमेंट बना रह सके। तो वो इस संदर्भ में मुझे लगता है कि नेक को ये सोचना चाहिए कि ये अपॉइंटिंग ऑथोरिटी वो सेम हो या वहां से कुछ रेगुलेशन आए, हालांकि रूल रेगुलेशन तो बनाए हुए हैं लेकिन फॉलो करने वाली एजेंसी कुछ अलग है। और बाकी मानव मूल्य परक, नैतिक मूल्य परक थोड़ी भारतीय जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी जो धरोहर है, उसको इसमें थोड़ा बहुत जो स्थान दिया जाए तो अच्छा रहेगा। मैं इतना ही कह के विराम देता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर साहब, इस पॉइंट को जरूर नोट करेंगे। हाँ जी डॉक्टर आनंद जी। नमस्कार नरेंद्र जी। मैं एक यहाँ पे उदाहरण देना चाहूंगा जी। इंटरमीडिएट गर्ल्स, गवर्नमेंट इंटरमीडिएट गर्ल्स कॉलेज बांदा यूपी, यहाँ पे करीबन 30 साल पहले तक
सेकंड लैंग्वेज के तौर पे संस्कृत सिखाई जाती थी और संस्कृत को ऑप्शन था तबला। तो मेरे पहले ये बात समझ में नहीं आई कि संस्कृत ये भाषा है और उसको तबला यानी म्यूजिक ये ऑप्शन कैसे हो सकता है। पर मैंने इसके ऊपर सोचा तो मुझे समझ में आया कि दे आर फॉलोइंग द शिक्षा छंद निरुक्त व्याकरण ज्योतिष कल्प मॉडल वेयर दे आर गिविंग द ऑप्शन ऑफ छंद टू शिक्षा। एंड व्हाट आई रियलाइज इज लैंग्वेज इज मीन फॉर अंडरस्टैंडिंग एक्सप्रेशन एंड कम्युनिकेशन एंड इन द सेम वे म्यूजिक इटसेल्फ इज अ लैंग्वेज। सो दोज हु डू नॉट वॉन्ट टू गो विद द व्याकरण एंड अदर एरियाज ऑफ संस्कृत इन अदर वे वेन दे आर रीडिंग तबला दे हैव टू डू इक्वल अमाउंट ऑफ रिसिटेशन इक्वल अमाउंट ऑफ पाठांतर जो बोलते हैं उतना ही करना पड़ता है और उनको लगता है कि वो म्यूजिक सीख रहे हैं मगर इन अ वे वो भाषा ही सीख रहे हैं। बट दिस इज अ नॉवेल टाइप ऑफ ऑप्शन एंड दिस काइंड ऑफ ऑप्शंस नीड टू बी सीन हाउ दे कैन बी इंक्लूडेड फॉर स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स हु डोंट लाइक मैथ्स और साइंस और सम सब्जेक्ट हाउ कैन द सेम सब्जेक्ट बी टॉट और एसेंस ऑफ द सेम सब्जेक्ट बी टॉट इन अदर वे विच इज मोर लाइकेबल टू द स्टूडेंट। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग इंटरप्रिटेशन आई लाइक इट। नरेंद्र दत्त जी बहुत संक्षेप में क्योंकि समय हो रहा है तो मैं उसके बाद आपके बाद जो है आमंत्रित करूंगा मुख्य वक्ता को। नरेंद्र जी शायद उपस्थित नहीं है तो मैं आमंत्रित कर रहा हूं आज के हमारे जो अध्यक्षीय टिप्पणी के लिए प्रोफेसर डॉक्टर गिरीश्वर मिश्र जी को कि जो कुछ आपने सुना है जो हमारा वक्तव्य था उस सारे के ऊपर आप अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें और उसके बाद डॉक्टर रंजू त्रिहन जो हैं वो वोट ऑफ थैंक्स जो हैं वो प्रपोज करेंगे। सर सबसे पहले मैं प्रिय सूर्य आशुतोष जी को बधाई देना चाहता हूं कि एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा का उन्होंने आरंभ किया है। मैं इसे महत्वपूर्ण इस अर्थ में भी देख रहा हूं कि इस समय नई शिक्षा नीति नामक एक उपक्रम चला है जिसमें आरंभ में ही कहा गया है कि यह नीति भारत केंद्रित शिक्षा को स्थान देने वाली है और इसके साथ ही साथ उसको यदि पढ़ा जाए तो उसमें इसका भी अवसर है कि भारतीय ज्ञान परंपरा से भी उसको जोड़ने का यत्न किया जा रहा है और मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाए इसका भी संकल्प उसमें किया गया है। मैं यह अनुभव कर रहा हूँ जैसा कि हमारे मित्रों ने चर्चा में व्यक्त किया कि कई स्तरों पर विसंगति आज के शैक्षिक जीवन में दिखाई पड़ रही है और ये विसंगति कई प्रकार की है। हमारे वक्ताओं ने अलग अलग विसंगतियों का उल्लेख किया और उन सब का समाधान यहाँ पर तत्काल संभव नहीं है विचार के स्तर पर भी संभव नहीं है। जो मूल जिज्ञासा आशुतोष जी की थी कि नैक के जो मानक हैं जो पैरामीटर हैं उन पैरामीटर्स को यदि ध्यान में हम रखते हैं तो क्या प्राप्त होता है और क्या उसका सुधरा हुआ विकल्प हम भारतीय ज्ञान परंपरा से प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं यह तो एक बड़ा ही केंद्रीय प्रश्न उन्होंने रखा था। लेकिन जब इस प्रश्न को खोलते हैं जैसा कि हमारे विद्वान मित्रों ने अपने वक्तव्यों में प्रस्तुत किया तो हम यह भी देखते हैं कि हमारा ध्यान ज्ञान की कम से कम परा और अपरा या विद्या और अविद्या इन दोनों शाखाओं की ओर जो भौतिक ज्ञान है आध्यात्मिक ज्ञान है इन सब की ओर जाता है जिसको भी
बड़ी चतुराई से हमारे अग्रज जी ने अभ्युदय और निश्रेयस में समेट लिया था और जिसका उल्लेख हमारे मित्रों ने बार बार किया। सचमुच संपूर्ण जो या जो समग्र है उसके लिए इन दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा। जब मैं सुन रहा था तो कहीं हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि इन दोनों के बीच एक तरह का खिंचाव हमारे मन में है कि एक प्रकार का ज्ञान दूसरे प्रकार के ज्ञान का विरोधी है। मैं समझता हूं कि इसको थोड़ा दूसरे ढंग से देखने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति सर्वम खल विदम ब्रह्म कहता है या जिसकी ज्ञान की अवस्था ऊपर गई वह समावेशी है, उसमें भौतिक ज्ञान भी है और यह ज्ञान भी मौजूद है। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो केवल भौतिक स्तर पर ही है, जिसके पास वह उच्च ज्ञान नहीं है या उसकी अभिलाषा भी नहीं है, उसका विचार उसका कार्य जो है एक प्रकार का होगा। जो ऊपर चला गया है वह नीचे वाला तो है ही है और ऊपर वाला भी उसके, मैं इस दृष्टि से देख रहा हूं कि समग्रता जिसके पास है वह जब आचरण करेगा तो वह एक प्रकार का आचरण करेगा और जो केवल निचले स्तर पर ही रहेगा उसका आचरण, तो ये भेद नहीं है। यह समावेशी शिक्षा का जो दृष्टिकोण है उसके अंतर्गत इन दोनों का समावेश है, अभ्युदय भी है और निश्रेयस भी है, दोनों की जरूरत है। स्वामी विवेकानंद यही कहते हैं ना, आत्मनः मोक्षार्थम जगत हिताय। रामकृष्ण मिशन का जो उद्देश्य है, जो ध्येय वाक्य है वह यह है, आत्मनः मोक्षार्थम जगत हिताय। तो इन दोनों में भेद करने की आवश्यकता नहीं है, इनके बीच में जो निकटता है उसको देखने की जरूरत है। अगर गीता में कहा कि सबको देखना ही देखना है तो यह जो सबको देखने का जो भाव है वह सबका समावेश करने वाला है। मैं समझता हूं कि हमको शिक्षा का जो उद्देश्य है वह इस दृष्टि को आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए। मैं यह नहीं मानता कि आध्यात्मिक दृष्टि जो व्यापक दृष्टि है उसका भौतिक दृष्टि से विरोध है, वह अच्छा भौतिकवादी होगा। गांधी जी कम भौतिकवादी नहीं थे और आध्यात्मिक भी थे, अपने को स्पिरिचुअल व्यक्ति भी कहते हैं, लेकिन वह जितनी आवश्यकता थी उतना उपभोग करते थे, तब COP26 की जरूरत नहीं पड़ी थी। आज ग्लासगो में बैठक हो रही है और कहा जा रहा है कि पूरा विश्व जो है वह एक विचित्र तरह के परिस्थिति में पहुंच रहा है जहां पर जीवन को खतरा हो रहा है। तो अगर आध्यात्मिक दृष्टि के अनुरूप हम उपभोग पर बंदिश लगाते तो यह स्थिति न होती। तो आध्यात्मिक दृष्टि जो है वह भौतिक जीवन को अच्छी तरह जीने में सहायक है। मैं एक तो यह निवेदन करना चाहता हूं, एक स्पष्टता यह हमारे मन में होनी चाहिए। उनके बीच अंतर विरोध नहीं है कि भौतिक अगर आप हो गए तो आध्यात्मिक हो, यह जरूरी नहीं है। लेकिन जो आध्यात्मिक हो गए उसमें आप भौतिक बने रहेंगे, भौतिक का यह उससे अंतर विरोध देखना शायद कहीं मेरी दृष्टि में एक बाधा है, हमको इधर ध्यान देना चाहिए, नंबर एक। दूसरी विसंगति यह है जो हमारी समझ में आ रही है वो ये है, मन में हमारे यह आशा है, हमारी महत्वाकांक्षा है, उसका औचित्य भी है कि जिन चित्रों को हमारे सामने आशुतोष जी ने प्रस्तुत किया है वो याद दिला रहे हैं कि विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय की बड़ी सुदृढ़ परंपरा थी और तब तो हवाई जहाज भी नहीं था, पैदल या पानी की जहाज, और जाने कैसे कैसे लोग यहाँ पर फाहियानार और वेनसांग जो है यहाँ आकर के अध्ययन कर रहे हैं और यहाँ के लोग भी वहां जा रहे हैं। तो यह जो ज्ञान की पिपासा थी वह उनको ले जा रही थी और ले आ रही थी। तो ज्ञान की केंद्रिकता जो है वह महत्वपूर्ण तब थी।
उस अध्ययन परंपरा में ज्ञान जो है वह सारे क्लेशों से पार करता था आदमी को, जो पुरुषार्थ है उनकी प्राप्ति भी उससे होती थी। और बड़ी सुंदर बात कही हमारे एक मित्र ने, आनंद घुरिये जी ने, कि भैया या तो आप 100% ज्ञान रखते हैं या नहीं रखते हैं, इससे इधर उधर की कोई बात नहीं है। बड़ी ही सुंदर बात उन्होंने रखी। आज भी जो पायलट का सिलेक्शन होता है वहां पर 100% नंबर नहीं हुआ तो आपको आगे बढ़ने, फाइटर पायलट आपको नहीं लिया जाएगा, वहां 100% ही चाहिए। और भी बहुत सारे ऐसे हैं, तो वह हम मानक हर जगह क्यों न लगाएं? बहुत अच्छा प्रश्न है हमारे सामने। पारंगत जब आप हो तभी आपको आगे के स्तर पर जाने का अवसर प्राप्त होना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं। मित्रों, मुझे बाहर के कई विश्वविद्यालयों में भी जाकर देखने, पढ़ने, पढ़ाने, शोध करने का अवसर प्राप्त हुआ। शिकागो भी देखा मैंने, हार्वर्ड भी देखा हमने, सैन फ्रांसिस्को देखा, मिशिगन यूनिवर्सिटी अमेरिका की देखी, बीजिंग में भी देखा, जर्मनी में भी देखा। और इन सारे देशों में जो शिक्षा के लिए एक बेचैनी छटपटाहट है, उसके परिसर में आपने प्रवेश किया तो बाकी चीजें आप भूल करके प्रवेश करते हैं। वहां पर केवल शिक्षा 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 ही है, और जो तत्व हैं वो पीछे छूट जाते हैं। वहां पर हमारे एक मित्र ने उल्लेख किया था एक्सलेंस, तो यह ज्ञान में जो उत्कृष्टता है इसका जो आदर है वह शिक्षा के परिसर में यही दिखाई पड़ता है। जिसको देखिए वह उसी में मगन है। मैं कहूंगा तब मैं थोड़ा युवा था, अब तो मैं 70 वर्ष का हो रहा हूँ। 40-42 की उम्र में मैं अमेरिका पहली बार गया, और मैं अकेले गया था, और लगभग साल भर का हमारा फेलोशिप का कार्यक्रम था। मैं यहाँ प्रोफेसर था तब मैं गया था, और तब परिसरों में 10 बजे 11 बजे रात तक बैठ करके आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, और पूरी चहल पहल मची हुई है। लड़का कोई पढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो एक तरह का जो परिवेश है वह आपको प्रेरित करता है कि आप पढ़िए लिखिए, और पूरी प्रक्रिया जो है वह आपको उसमें शामिल करती है, आकर्षित करती है। भाई आशुतोष जी ने बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रियाएं भी शामिल की थी आज के जो सामग्री का जो पूरा ब्यौरा भेजा था उसमें, और प्रायः बहुत सारे लोग आज अपना समय राजनीति की बात करने में और व्यक्तियों की चर्चा करने में लगाते हैं। कहीं किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो, शास्त्रीय जिज्ञासा हो, विषय की जिज्ञासा हो, इसकी इच्छा जो है वह बड़ी कम हो गई है। अब मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि जो एक एकेडमिकली वाइब्रेंट इन्वायरमेंट होना चाहिए वह उससे हम कहीं स्खलित हो रहे हैं। वह जो परिवेश होना चाहिए, जो उसमें आनंद आना चाहिए, पढ़ने का जो आनंद है वह आना चाहिए, वह हमें कम हो रहा है। मैंने 22 वर्ष दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में अध्यापन किया, कई विषय वर्षों तक हमने पढ़ाया, नए नए विषय भी हमने आरंभ किए। और मैं बताऊं कि एक ही प्रश्न पत्र भी अगर हमने 4 वर्ष लगातार पढ़ाया है तो प्रति वर्ष हमने नई सामग्री का उपयोग किया पढ़ाने में, नए शोध पत्रों का, नए ग्रंथों के चैप्टर्स का और नई चीजों का। अब मैं बता दूं आपको कि प्रायः मेरी जो दिनचर्या होती थी वह 9 बजे मैं चला जाता था और शाम को 7 बजे के करीब मैं वापस आता था। यह नित्य प्रति हम, क्योंकि हम, हमारे लिए और कोई विकल्प नहीं था, यही एकमात्र एक मार्ग था। मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं करना चाहता, लेकिन थोड़ी बहुत जो संलग्नता
मुझ में दिखी वह आपसे साझा करना चाहता हूं कि वह आनंद अगर आपके मन में आता है, आपको उद्वेलित करता है कि कोई समस्या खड़ी हो जिसका आप समाधान करिए। अभी भी जो लोग मिलते हैं, कई लोग इसलिए नहीं मिलने आते हैं कि मैं उनको कोई समस्या देता हूं किस पर आप शोध करिए, आप इस पर रिसर्च प्रोजेक्ट कर, कई लोग कर भी डालते हैं और बातों बातों में ही बहुत बड़े बड़े काम हमने किए हैं और करवाए लोगों से। तो यह एक प्रकार की मन में अगर उत्कट भावना है तो आप इस संकट के दौर में भी कुछ कर सकते हैं। तो मेरा सिर्फ यह निवेदन है कि यह जो एकेडमिक एंगेजमेंट की जो आकांक्षा है वह कैसे पैदा की जाए, यह बहुत बड़ी आवश्यकता है। और जो तमाम सारी समस्याएं हैं उसका निदान कहीं और नहीं मिलेगा, इसी में मिलेगा। इसके लिए क्या किया जाए? आप अपने आप को तैयार करें, आपका परिसर इस प्रकार का हो कि आपके पैर ठुमुक ठुमुक करके उधर चले जाएं, आपको पढ़ाने में आनंद आए, विद्यार्थियों को पढ़ने में आनंद आए। और अगर ऐसा वातावरण होता है तो उसके सुफल होंगे, अच्छे परिणाम। मैंने स्वयं अनुभव किया है, वो आप भी अनुभव करते होंगे कि जब आपकी कोई कक्षा बहुत अच्छी जाती है, अर्थात खूब प्रेम से आप पढ़ाते हैं और बच्चों को समझ में आता है, तो उस आनंद का वो ब्रह्मानंद सहोदर से कम आनंद नहीं होता है। तो यह जो परिवर्तन है वह परिवर्तन कैसे आएगा, यह सोचने की आवश्यकता है। अब मैं एक अगली बात की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा और वो ये है कि, और यह मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं, जो नैक की केंद्रीय विश्वविद्यालय की जो जांच की जो नैक की कमेटी हुई थी उसके अध्यक्ष के रूप में, बहुत सारे ऑटोनोमस कॉलेज की जो कमेटी गई है उसके अध्यक्ष के रूप में, और स्वयं एक कुलपति के रूप में एक अपने विश्वविद्यालय का हमने नैक का मूल्यांकन पहली बार कराया था, उस रूप में जो हमारा अनुभव था उसके आधार पर मैं कहना चाहता हूँ, नंबर एक कि हम लोग न्यूनतम जो डेटा की प्रक्रिया है जो होनी चाहिए न्यूनतम, उसके लिए भी अभी तक तैयार नहीं थे। चीजों को व्यवस्थित रखने की हमारी आदत ही नहीं है। यह तो कठिनाई इसलिए आ रही है कि हमारा अभ्यास नहीं है कि यह भी महत्वपूर्ण चीज है, यह एक सीखने का अवसर है बहुत सारी संस्थाओं के लिए और विश्वविद्यालयों के लिए। और एक बार जब आप उस रास्ते पर आ जाते हैं तो आप ध्यान पूर्वक उन चीजों को रखते हैं और उसका लाभ भी उठाते हैं। एक तो यह मैकेनिकल प्रक्रिया है, एक पक्ष तो इसका यह है जो है जरूरी है, होनी चाहिए। जो दूसरा पक्ष है, मैं आशुतोष जी की आपत्ति से पूरी तरह सहमत हूं, क्रिया सिद्धि सत्वे भवति माताम नोपकरणे। तो तमाम सारे संसाधन कितने हैं इसका मूल्यांकन नैक करता है, वह शिक्षा की प्रक्रिया का, पेडागॉजी का स्पर्श नहीं कर पाता है। जितना भी आंकड़ा आप उसमें आप देते हैं वह सब जो इतिहास है वह एकत्र करके आप भर देते हैं, कुछ झूठ कुछ सच कुछ कल्पित और कुछ चित्रित नाना प्रकार का। और ये सारा व्यापार जो है वह कागजी कार्रवाई हम पूरी करते हैं और बहुत सारा समय लगता है, श्रम लगता है, धन लगता है। उसकी परेशानी का कारण एक तो यह है कि हमारा उस तरह का अभ्यास नहीं कि उस तरह का डेटा, उस तरह का प्रदत्त जो है हम व्यवस्थित रखें। तो एक बार वह व्यवस्था कर लिए तो शायद आगे सुविधा रहेगी, लेकिन जब कुछ नहीं करेंगे और दिखाना है तो जबरदस्ती आप फिर ढूंढते रहिए, और जब स्वयं अगर चीजें होती हैं तो कोई कठिनाई नहीं होती। मैं यह कह रहा था कि शैक्षिक प्रक्रिया जो है वह प्राचीन शैक्षिक जो व्यवस्था थी उसमें दिखती है।
जब आशुतोष जी ने कहा तो मैंने कुछ खंगालना शुरू किया और बहुत सारे जो उपलब्ध शोध पत्र और कुछ पुराने 1800 के समय के कुछ लेख, कुछ छोटे मोटे ग्रंथ भी मिले जो कि प्राचीन शिक्षा पद्धति के बारे में बात करते हैं। हम सब लोग नालंदा की बात करते हैं, तक्षशिला की बात करते हैं, विभिन्न ग्रंथों की बात करते हैं। उन सब का एक आशय तो यह है कि अगर ज्ञान की इतनी पराकाष्ठा तक पहुंचने की स्थिति थी तो यह पहुंचना कैसे संभव हुआ था, इसका कल्पना तो आप कर सकते हैं। अगर महाभाष्य लिखा गया, लघु शब्देंदु शेखर लिखा गया, छोटी किताब तर्क संग्रह लिखी गई और लोक सिद्धांत कौमुदी भी बन गई बच्चों के लिए। अब आप ये देखिए कि लघु सिद्धांत कौमुदी भी है और आगे के लिए सिद्धांत कौमुदी थोड़ी बड़ी भी है और उसके ऊपर जाइए तो महाभाष्य पढ़ते हैं आप और व्याख्याएं आप पढ़ते हैं और यही बात अन्यत्र भी आप देखते हैं। तो वार्तिक लिखे गए, टीकाएं लिखी गई, चीजों को समझाने के लिए तरह तरह के प्रयास किए गए और उसमें हम यह पाते हैं कि यह प्रक्रिया जब तक आप उसमें प्रवेश नहीं करते हैं, ग्रहण नहीं कर लेते हैं, आत्मसात नहीं कर लेते हैं, जब तक आप उसे अंगीकार नहीं कर लेते हैं, तब तक वही शत प्रतिशत वाला जो प्रश्न उठा था, वह ग्रहण बिल्कुल हस्तामलक जब तक वह नहीं हो जाता है तब तक बात आगे नहीं बढ़ती है, चाहे वह योग हो, चाहे वह आयुर्वेद हो, चाहे वह आपका यजुर्वेद और सामवेद हो। सब जगह मैं कहना यह चाहता हूं कि सिद्धांत नहीं अभ्यास बड़ा ही महत्वपूर्ण है और वह अभ्यास जो है वह उस शास्त्र के उपयोग का। आशुतोष जी तो विद्वान ही है, आपरतेषाद् विदुषां न मन्ये साधु प्रयोगे विज्ञानम्। भैया जब तक सब लोग संतुष्ट न हो जाए तब तक बात नहीं बनती है और नया पुराना कुछ नहीं। कालिदास तो कह चुके हैं कि भैया देखो नए होने से कुछ खराब नहीं हो जाता, पुराने से होने से कुछ अच्छा नहीं हो जाता। जो संत हैं वो परीक्षा करके ही तय करते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो ज्ञान जो है हमेशा परीक्षा की कसौटी पर कसा जाता रहा है। विद्वान जो है वह जिसे आप शास्त्रार्थ कह लीजिए, विमर्श कह लीजिए, चर्चा कह लीजिए, उन सबको और अगर आप जांचिए तो आप पाएंगे कि वह ज्ञान के उपयोग को अधिक महत्व देने की प्रक्रिया जो है वह उस व्यवस्था में चल रही थी। परीक्षा में कुछ प्रश्न पूछ दिए गए, उसका उत्तर आपने दे दिया, आपको अंक मिल गए, इससे बात नहीं बनती है। आपको वह अभ्यास में आ पाता है या नहीं आ पाता है। हमने आरंभ में संस्कृत का कुछ अध्ययन भी किया था, पूर्व मध्यमा तक हमने पढ़ाई भी की थी, अब तो सब भूल भाल गया। अब वहां पर अगर राम कैसे बनता है तो कौन विभक्ति, कौन कारक, कौन सूत्र लगा, कैसे हुआ, और इसी तरह से कोई दूसरे शुद्ध उपास्य कैसे बनता है, अब आप बनाओ बताओ करो, या दूसरा कोई भी प्रश्न जो है उसका उत्तर आपको संभालना है, उत्तर देना है। अब उस पूरी प्रक्रिया में तर्क है, उस पूरी प्रक्रिया में क्या समाधान हो सकता है उसे खोजने की एक जिज्ञासा भी है। तो प्रश्न हमारे सामने यह उठता है कि हमारे जो पाठ्यचर्या है, जो पेडागॉजी का प्रिंसिपल हम जो यूज कर रहे हैं, वह ज्ञान और उसके अभ्यास के बीच में जो एक संबंध होना चाहिए वह कहीं छूट रहा है, जो प्राय सामान्य पढ़ाई होती है। और जहां जो विद्यार्थी उन दोनों को जोड़ पाता है
बाघ अर्थावि संप्रित, उसी तरह शब्द अर्थ की तरह से ज्ञान और उस अभ्यास को जो जोड़ पाता है वही आगे बढ़ पाता है। मैं समझता हूं कि जो अध्ययन और अध्यापन की प्रक्रिया है इस पक्ष को पकड़ने की दृष्टि से जितने भी मानदंड हैं वो ओछे हैं, छोटे हैं, कमतर हैं। हमको यह विचार करना होगा कि पेडागॉजी की दृष्टि से कोई महाविद्यालय व टीन की छत के अंदर हो या एयर कंडीशन मकान में हो या किसी भी प्रकार के परिसर में हो, वहां पर यह ज्ञान और अभ्यास का जो संबंध है वह किस प्रकार का हो रहा है इसका मूल्यांकन होना चाहिए। बहुत सारे जिन प्रश्नों को लेकर के एक संक्षिप्त सर्वेक्षण आशुतोष जी ने किया था, जिनका परिणाम हमारे सामने उन्होंने प्रस्तुत किया था, वह यही बताता है कि ज्ञान और का जो सिद्धांत है और जो उसका अभ्यास है इसके बीच में जो कनेक्शन है, जो संबंध है, वह संबंध कितना प्रखर है, कितना तीक्ष्ण है, कितना तीव्र है, कितना व्यापक है और कितना कम है। मित्रों, इस दृष्टि से हमको कुछ मापक बनाने होंगे, कुछ वैकल्पिक मानक हमको प्रस्तुत करने होंगे कि भैया यह भी देखा जाए कि विद्यार्थी कैसे अध्ययन कर रहे हैं, अध्यापक कैसे अध्यापन कर रहे हैं और किस तरह का परिवेश जो है वह पैदा हो रहा है। हम लोग कहानियों में सुनते हैं ना कि कीरांगना यत्र गिरा गिरा जाप है, तोता मैना संस्कृत में आपस में बातचीत कर रहे हैं, समझ लेना कि वही मंडन मिश्र का घर है। तो यह जो परिवेश है वह परिवेश कैसे पैदा होगा, वह ज्ञान का परिवेश कैसे पैदा होगा, ये हमारी सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। ध्यान दीजिए कि 1994 में नैक का गठन हुआ था, उसके पहले नैक नहीं था, NIRF उसके बाद शुरू हुआ और जितने भी उसमें क्राइटेरिया है वो सब खाता खतौनी जैसे होता है उसी तरह से आप भरते हैं कि क्या क्या आपके पास है, आप क्या वास्तव में कर रहे हैं, कैसे आप ज्ञान को जी रहे हैं, इसका मूल्यांकन, इसका स्पर्श करने का अवसर उसमें बहुत कम है। हम अध्यापकों में अध्ययन अध्यापन शिक्षण के लिए लालसा कितनी है इसका मूल्यांकन नहीं करते, उसकी और उनकी कितनी प्रवृत्ति है, कितने वह उद्यत हैं कि वह अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करें, यह शायद उनके परिवेश में नहीं है। आशुतोष जी कह रहे थे कि कितने घंटे पढ़ाते हैं और 10 घंटे किसी ने कहा या क्या कहा, मैं समझता हूं कि मेरा अपना निजी अनुभव है, आज भी मैं 8-10 घंटे जो है रिटायरमेंट के बाद भी अध्ययन में लगाता हूं। मैं कुलपत था तो वहां भी मैं अध्यापकों और विद्यार्थियों के साथ भी समय देता था, उनके लिए हमेशा उपलब्ध रहता था, बैठ करके उनकी समस्याओं को, और सब समस्याएं तो जो होती हैं वो होती ही हैं, लेकिन उनके PhD का टॉपिक ठीक है कि नहीं है, क्या उनको पढ़ना चाहिए, उनकी शोध विधि क्या होनी चाहिए, इनको लेकर के भी मैं सतत सक्रिय रहता था। मैंने 10-15 व्याख्यान दिए, उनको पढ़ाया, समझाया, बताया, सारा कुछ कोशिश की। तो मैं समझता हूं कि इस तरह की संलग्नता का एक वातावरण जब तक नहीं खड़ा होगा तब तक कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। अंततः नैक का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना और उसकी समृद्धि में, उसको आगे बढ़ाने में सहयोग करना ही होना चाहिए।
और यह उद्देश्य तभी पूरा होगा जब नैक हवा न रहे, भूत की तरह से न आए, और यह भी न रहे कि उसको आप इस रूप में कर दें कि चाहे जैसे भी हो नैक में ए प्लस का हमको मूल्यांकन प्राप्त होना चाहिए, चाहे उसके अंदर कुछ भी हो। यह एक बड़ी विचित्र सी स्थिति है और इसी में सभी लोग व्यस्त हो जाते हैं और बड़ा समय नष्ट होता है। मैं समझता हूं कि मूल्यांकन शिक्षा के दृष्टि से शिक्षा का परिणाम न होकर के शिक्षा का अंश होना चाहिए। जब हम पढ़ा रहे हैं उस पढ़ाने की प्रक्रिया का यह हिस्सा होना चाहिए। हम लोग पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बाद कुछ प्रश्न भी पूछ लेते हैं, बच्चों से बातचीत भी कर लेते हैं। हमारे एक आदरणीय मित्र ने सुझाव दिया कि ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए, इंटरडिसिप्लिनरी होना चाहिए। बहुत ही सुंदर विचार है ये और उसका स्वागत मैं करता हूँ, यह अवसर होना चाहिए। लेकिन परीक्षा का जो हवा लगा रहता है और साल के अंत या छह महीने के अंत में 5 प्रश्नों का उत्तर देना है और उस उत्तर में कितना अंक मिलता है यही महत्वपूर्ण होता है। और कैसा उस परीक्षा में परफॉर्मेंस होगा यह कई बातों पर निर्भर करता है, तात्कालिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है, क्या याद आया क्या नहीं याद आया इस पर निर्भर करता है। इसका कोई विकल्प हो सकता है? एक अनुभव मैं आपसे साझा करना चाहूंगा। हो सकता है कि कभी अंग्रेज जी ने पहले चर्चा की उसमें हमने उसका उल्लेख भी किया हो तो दोहरा भी सकते हैं उसको। मुझे एक विश्वविद्यालय में एक सेमेस्टर पढ़ाने का अवसर मिला और न्यूयॉर्क में वह विश्वविद्यालय है, बड़ा प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, न्यू स्कूल ऑफ सोशल रिसर्च उसका नाम है। और वहाँ पर क्या पढ़ाना है, कल्चरल साइकोलॉजी का वह पाठ्यक्रम था और मैं और हमारी जो एक सहायक वहाँ के प्रोफेसर थे, हम लोगों ने तय कर लिया कि हम क्या क्या पढ़ाएंगे, किस सप्ताह में क्या पढ़ाएंगे, क्या सामग्री पढ़ने के लिए अपेक्षित होगी, ये सब कुछ तय कर लिया गया और ये सब सामग्री उपलब्ध करा दी गई, बच्चों को उपलब्ध करा दी गई। और कक्षा जो है वह मंगलवार की शाम को करीब 2-3 घंटे की होती थी प्रति मंगलवार, और शनिवार की शाम तक हर विद्यार्थी से अपेक्षा थी कि उस पाठ के लिए जो सामग्री दी गई है उसको पढ़ करके जो उसके मन में जिज्ञासा हो, प्रश्न हो, टिप्पणी हो, वह लिख करके और अध्यापक को मेल कर दे। और मंगलवार को सभी विद्यार्थियों ने जो जो प्रश्न पूछे थे उन प्रश्नों पर विचार होता था, व्याख्यान नहीं होता था, प्रवचन नहीं होता था। अब आप एक तरह से देख लीजिए कि परीक्षा हर हफ्ते हो रही है, हम कोई अंक नहीं दे रहे थे, लेकिन विद्यार्थी को स्वयं पढ़ करके और जो जिज्ञासाएं पैदा होती थी उनको साझा करना था। और कक्षा में हर विद्यार्थी से अपेक्षा थी कि वह टिप्पणी करे जो उसके मन में आए, जिस ग्रुप डिस्कशन की बात हो रही थी, जिस डायलॉग की बात हो रही थी, और कक्षा समाप्त हो गई। 3 घंटे यही बहस मुबासा होता था उन प्रश्नों को और उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करने में हमें जो योगदान करना होता था वो हम करते थे। कभी 5 मिनट बोले, कभी 2 मिनट बोले, कभी 4 मिनट बोले, कभी नहीं बोले, खत्म हो गई कक्षा। अगले सप्ताह उनको जो पढ़ना है वो पढ़ करके फिर वो शनिवार तक अपना प्रश्न और टिप्पणी भेज देते थे और अगले मंगलवार को उनके ऊपर फिर विचार होता था। ऐसे 13 सप्ताह बीत गए और उसके बाद उनसे कहा गया कि जो कुछ आपने पढ़ा उसको सोच करके उसके ऊपर एक शोध प्रस्ताव आप दे दीजिए।
आप कैसे करेंगे शोध उसका प्रस्ताव, यही उनकी परीक्षा थी। अब इसमें आप ये देखिए अध्यापक और विद्यार्थी की संलग्नता किस तरह से पूरी प्रक्रिया में घटित हो रही है। उनको पढ़ना है, उनको समझना है, उनको साझा करना है, उनको दूसरे के विचारों को भी ग्रहण करना है और उसको काटना भी यदि वो गलत समझते हैं तो, कि वो ठीक नहीं कह रहे हैं तो। और सृजनात्मकता भी है कि अंततः उनको एक शोध प्रस्ताव देना है कि हम यह कार्य ऐसे ऐसे करेंगे, छोटी सी एक समीक्षा और उसकी विधि क्या होगी, कैसे आप करेंगे, यह पूरा विवरण उनको देना था, यही उनकी परीक्षा थी। हमने वो परीक्षा दे दी, ये सारी व्यवस्था थी, हो गई, उनका मूल्यांकन हो गया। तो ये निरंतर यह जो उनके अनुभव का और जो कुछ ज्ञान उनको मिल रहा है वह मैं कहूंगा एक तरह का सृजनात्मक प्रक्रिया है, एक तरह की क्रिएटिव प्रोसेस है जहां पर उनका एंगेजमेंट हो रहा है, उनकी संलग्नता वहां पर है, वह सीख रहे हैं, जो गलत सीखे हैं उसको अनसीखा कर रहे हैं, नया सीख रहे हैं, जो दूरियां हैं वह कम हो रही हैं, वह समझदारी भी बढ़ रही है, वह प्रस्तुति की शैली भी देख रहे हैं और उस कक्षा में कम से कम 5-6 देशों के विद्यार्थी थे, उनके बोलने की शैली भी अलग अलग थी, कोई जर्मनी का था, कोई जापान का था, भारत के भी 2 विद्यार्थी थे, अमेरिका के थे, कई जगह के थे। तो हॉलैंड का एक स्टूडेंट था, कई अलग अलग दृष्टि से उनकी अपनी विचारधारा थी, उनकी अपनी समझ थी और उसके आधार पर चर्चा होती थी, तो सचमुच इंटरडिसिप्लिनरी होती थी। मैंने यह उदाहरण इसलिए आपके साथ साझा किया कि आज कल की परिस्थिति में भी इस तरह का परिवर्तन संभव है। भारत में भी बहुत सारे ऐसे जो उच्चतर संस्थान हैं वहां पर इस तरह के प्रयोग हो रहे हैं। हमारी एक बड़ी भारी समस्या है कि हमने शिक्षा का जो विस्तार है वह किस तरह किया है, वह मात्रा की दृष्टि से तो हुआ वह भी अभी कितना काफी है, लेकिन जो हुआ उसमें अपेक्षित गुणवत्ता जो है हम नहीं दे पाए। हमने न अध्यापक नियुक्त किए, न स्थान नियुक्त किया, एक कमरे में एक आदमी को वाइस चांसलर बना के बैठा दिया, यूनिवर्सिटी खोल दी, विश्वविद्यालय ऐसे तो नहीं खुलता है, या महाविद्यालय भी ऐसे नहीं खुलता है। वह कितनी दारुण कथा है उसका हम उल्लेख नहीं करते। बहुत सारे आज जो विश्वविद्यालय चल रहे हैं, आपकी सूचना के लिए शायद आपने सुना भी होगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 1,000 अध्यापकों के पद खाली हैं। अब आप अनुमान लगा लें कि वहां किस तरह की शिक्षा वर्षों से चल रही है। या 700 के करीब पद दिल्ली विश्वविद्यालय में हैं, 500-700 के करीब, तो कैसे शिक्षा चल रही है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर तमाम उसके कारण हैं, इसका कौन दायित्व उठाएगा। जो परिस्थितियां हमारी हैं वो बड़ी विकट है। प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों की स्थिति बड़ी दयनीय है, अध्यापक नहीं है, स्थान बैठने का नहीं है, सुविधाएं नहीं है, एक ओर तो ये है, और दूसरी ओर ऐसे विश्वविद्यालय भी हैं और ऐसे प्राइमरी पढ़ाई के संस्थान भी हैं जहां एक माह की फीस 1,00,000 रुपए है। तो यह एक बहुत बड़ी खाई है। इस लोकतंत्र में प्राथमिक शिक्षा आप तथा कथित RTE राइट टू एजुकेशन के अनुसार निशुल्क भी प्राप्त करने के अधिकारी हैं, 6 से 14 साल के बीच में, 2009 में कानून पास हुआ था, और 1,00,000 वाला भी स्कूल है, और कई हजार रुपए खर्च करके तो जगह जगह लोग पढ़ा रहे हैं। यह एक बड़ी
दारुण स्थिति है, बड़ी भारी विषमता है। मैं इसका इसका उल्लेख इसलिए भी कर रहा हूं कि हमारे भाई आशुतोष जी ने कहा था कि ए ग्रेड तो मिल गई, दो विश्वविद्यालयों का नाम उन्होंने लिया था, मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन अगर दोनों को ए ग्रेड मिल गई उसका आशय क्या है? क्या गुणवत्ता दोनों की एक ही प्रकार की है? कदापि नहीं है। गुणवत्ता को सुरक्षित कैसे किया जाए, सबसे बड़ी चुनौती जो है वो ये है। अगर कोई, मैं बताऊं, महाविद्यालय विश्वविद्यालय अपनी बदौलत अपनी योग्यता से अपना परचम लहराता है, यदि उसके विद्यार्थी उसके अध्यापक उत्कृष्ट कार्य करते हैं, नैक की कोई आवश्यकता नहीं है। नैक जो है वह एक भार है। नैक का प्रलोभन यही है कि हम तरह तरह की ग्रांट में उसका उपयोग करेंगे और आपकी मान्यता उसके ऊपर निर्भर करेंगी। यह सारा तामझाम इसलिए शुरू हुआ था कि बहुत सारी फेक संस्थाएं, फर्जी संस्थाएं जो है वह शुरू हुई। आपको पता है ना कि प्रतिवर्ष यूजीसी एक सूची निकालती है कि ये 50 विश्वविद्यालय या 20 विश्वविद्यालय फर्जी डिग्री दे रहे हैं। ये एक अलग, एक बितंडा, एक तरह का संकट जो है वो छाया हुआ है। आपको स्मरण होगा कि जो पीएचडी की डिग्री जो है उसको लेकर के यूजीसी ने आरंभ किया था वह योजना, पता नहीं कहाँ गई, कि पिछले 10 वर्षों में जितनी पीएचडी हुई है उसका मूल्यांकन कराया जाएगा और देखा जाएगा कि वह ठीक है कि नहीं। मन में तो संशय हमारे आया ना, आप प्लेगरिज्म के लिए बताइए गजट आप निकाल रहे हैं कि जिसकी पीएचडी पकड़ी जाएगी कि नकल है उसको दंडित किया जाएगा। और कैसा कैसा हो रहा है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लोग कुलपति तक हो जा रहे हैं और जाने क्या क्या कर रहे हैं, ऐसी सब तमाम विसंगतियां हैं। तो जो समाज का नैतिक स्तर है कहीं न कहीं वह कमजोर हुआ है, दुर्बल हुआ है, और यह चाहे आप राजनीति में देखें, चाहे समाज की व्यवस्था में देखें, शिक्षा की व्यवस्था में देखें, हर जगह वह परिलक्षित हो रहा है। शिक्षा जो है वह समाज में स्थित है और शिक्षा समाज को भी प्रभावित करती है और स्वयं शिक्षा समाज से प्रभावित होती है। आज का जो समाज है वह जो शिक्षा चल रही थी उसका योगदान तो है उसके निर्माण, और आगे किस तरह का समाज बनेगा इसमें भी शिक्षा का योगदान रहेगा। और हमेशा यह पद्धति जो है वो कोई ना कोई पद्धति तो रहेगी। यह शिक्षा जो है वह एक आवश्यकता है समाज की, जिसका भरपाई करना, पूर्ति करना बड़ा आवश्यक है। नैक जो है वह एक प्रकार के नियंत्रण की पद्धति के रूप में प्रस्तुत किया गया था ताकि जो गड़बड़ हो रही है उसके ऊपर नियंत्रण हो, लेकिन वह स्वयं इतना बड़ा एक उसका आकार बन गया, उसका स्वरूप बन गया कि उसके साथ तमाम सारे संकट पैदा हो गए। सैद्धांतिक रूप से, प्राचीन दृष्टि से जो हमारे पास ज्ञान की परंपरा है, जो अध्ययन की परंपरा है, उसमें ज्ञान की परीक्षा कैसे होती थी, किस प्रकार उपनिषदों में आप पढ़िए कि कह दिया कि भैया जाओ, जब इतने गाय के बछड़े हो जाएं तब जो है आना, तमाम सारी कथाएं आपको मिलेंगी कि पूरा का पूरा जीवन कैसे उसमें समर्पित हो जाता है, कैसे परिवर्तन आता है। उपनिषद का अर्थ ही गुरु के पास बैठ के पढ़ना। तो बड़े दृढ़ आधार पर यह शिक्षा होती है जिसमें किसी तरह के समझौते की गुंजाइश नहीं है। प्राचीन जो परंपरा है वह शिक्षा जो है वह बड़ी अध्यापक को निष्प्रिय होना है और उसको सारी चिंताओं से मुक्त होना है, और उसका स्थान बड़ा ऊपर होता था।
आदरणीय होता था, सम्मानजनक होता था, वह गुरु वास्तविक अर्थों में होता था और उसमें गुरुता भी होती थी। तो गुरु की जो संस्था है, जो इंस्टीट्यूशन ऑफ टीचर मैं कहूंगा, उसकी जो गरिमा है वह कहीं ना कहीं जब तक स्थापित नहीं होती है पूरी प्रक्रिया में, तब तक नैक की कोई भूमिका नहीं है। ये कागजी कार्रवाई पूरी होती रहेगी। मैं नहीं जानता कि नैक के करने से शिक्षा की गुणवत्ता में कितना सुधार हुआ है, इसका कोई अध्ययन हुआ है कि नहीं। मैं खोजने की कोशिश करूंगा कि व्हाट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरेस्टिंग है, whether it has contributed to the growth. I think we must conduct a study. We must ask colleges and universities to what extent it has contributed to the growth of knowledge, quality of education, or quality of pedagogical practices. कहीं इसमें जो है वो हमको तो लगता है कि हम लोग जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तो डिप्टी साहब आते थे और मुआयना करते थे और लड़कों से खड़ा होकर के पूछते थे कि तो प्रश्न पूछते थे और उत्तर जो है बच्चों से पूछते थे और तब वो कहते थे कि हाँ स्कूल अच्छा है कि नहीं। अब उसकी जगह पर ये मुआयना किया जा रहा है, चेकिंग की जा रही है, देखा जा रहा है, कागजी कार्रवाई बहुत अधिक है, लेकिन गुणवत्ता की दृष्टि से इसका कितना योगदान है यह एक विचारणीय प्रश्न है जिधर हमारा ध्यान जाना चाहिए। और यह एक और संकट का अभी भविष्य का रास्ता बड़ा स्पष्ट नहीं है, क्योंकि जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि नई शिक्षा प्रणाली जो मसौदा है उसमें सारी व्यवस्था को पुनः आयोजित करने की व्यवस्था हो रही है। UGC नामक संस्था का कोई शायद बहुत योगदान नहीं होगा, तमाम सारे उसमें नए परिवर्तन प्रस्तावित है। नैक की क्या भूमिका होगी, कैसे वह उसका समायोजन करेगा? हमारे एक मित्र ने कहा कि अगर नैक कहता है कि संसाधन नहीं तो संसाधन देने की व्यवस्था करो, नैक का संसाधन देने से कोई संबंध नहीं है। नैक बता देगा कि आप ठीक नहीं है, ठीक करने के लिए क्या उपाय है इसका कोई उपाय नहीं है, कोई समाधान नहीं होता है। तो वस्तुतः नैक जब खत्म हो गया तो सब लोग सांस लेते हैं कि हाँ भैया चलो एक विपत्ति टली, एक एक जो है खाता खतौनी का काम पूरा हुआ, थोड़ा विश्राम किया जाए। नैक जो है वह कहीं प्रेरित करने का कार्य करे, यह जो है मैं बहुत कम देखता हूं। संकट कटा, आपका भार जो है थोड़ा हल्का हुआ ऐसा आपको प्रतीत होता है। मैं समझता हूं हमारे लिए यह आवश्यक होगा कि नैक में उसके मूल्यांकन में एक वैकल्पिक व्यवस्था जो है वह प्रस्तुत की जाए, जहां पर शिक्षा की प्रक्रिया पर बल हो, न कि शिक्षा के संसाधन की क्या स्थिति है इसका मूल्यांकन मात्र हो। अगर शिक्षा का मूल्यांकन ही उसका उद्देश्य है कि वहां पर ये है कि नहीं, ये है कि नहीं, ये है कि नहीं, और आप जाकर के देख लीजिए और कागज में आप पूछ लीजिए और किसी भी तरह से उसको पूरा करिए, तो यह कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत आकर्षक नहीं रह गया है। नैक जो है स्वागत उसका नहीं होता है, जबरदस्ती आप स्वागत जरूर करते हैं, कई जगह तो बैंड बाजे के साथ नैक की टीम का स्वागत होता है, लेकिन मन में आपके यही भाव रहता है कि किसी तरह नैक का यह कार्य संपन्न हो। तो मैं समझता हूं कि शैक्षिक गुणवत्ता के मूल्यांकन के लिए शिक्षा की प्रक्रिया में अध्यापक के इंगेजमेंट का, उसकी संलग्नता का, शिक्षा कैसे दी जा रही है इस प्रक्रिया का, शिक्षा की रुचि पैदा करने में महाविद्यालय या विश्वविद्यालय कैसे नए मानदंड और क्या नए इनिशिएटिव ले रहा है, शायद यह अधिक महत्वपूर्ण है। नैक का जो सातवां कॉलम होता है या पैरामीटर उसमें है बेस्ट प्रैक्टिसेस,
तो जबरदस्ती कुछ उसमें लिख दिया जाता है कि ये होता है या गाजा बाजा होता है और क्या क्या होता है। प्रश्न यह है कि यह जीवंत परिवेश अगर हम सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं जहां पर छात्र को यह ललक हो कि वह कुछ नया जान सके। अगर सीखने के लिए ललक उसमें पैदा हो जाए और अध्यापक इस कार्य में अपने कार्य की झलक देखे कि हम क्या यह कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, अध्यापक में उत्सुकता बनी रहे कि हम कौन सा नया ग्रंथ देख रहे हैं, कौन सी नई आर्टिकल हमने पढ़ी है। नेट में यह तो नहीं पूछा जाता है, आशुतोष जी ने यह सवाल दागा था कि भैया आप क्या नया पढ़ लिख रहे हो, आपकी रुचि किन चीजों में है, किस तरह की दृष्टि का आपका विकास हो रहा है। मैं समझता हूं कि नैक के लिए एक वैकल्पिक प्रारूप जो है वह प्रक्रिया को केंद्र में रख करके बनाने की आवश्यकता है। मैं आशुतोष जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने यह चर्चा आरंभ की है, इसके बहुत सारे आयाम हैं और क्षमा करेंगे हमारे मित्र जो है नैक के आगे भी बढ़ गए थे और बहुत सारी बातें उन्होंने बताई जो प्रासंगिक हैं लेकिन नैक के सीधे प्रश्न से जुड़ी नहीं थी। हम अधिक व्यापक क्षेत्र में भी गए, हमारे मित्र ने बताया कि प्राचीन जो है वो जैन में या बौद्ध में या अन्य दृष्टि से जो ज्ञान की परंपरा है वो किस प्रकार की थी, ठीक है अपनी जगह वो बात, लेकिन हमको यह ढूंढना है कि वहां पर ग्रहण करने के लिए और वह भी जो आज के समय में महत्वपूर्ण हो। आज भी ओरिजिनैलिटी का, मौलिकता का, सृजनात्मकता का बोलबाला है, उसी को महत्व मिलता है, उसी का शोध जो है वह पढ़ा जाता है, उसी का शोध पत्र जो है लोग महत्व देते हैं, नोबेल प्राइज मिलती है या कुछ भी जहां पर कुछ नवीनता हो। और यह नवीनता सौंदर्य भी है और हमेशा से इस बात को रमणीय तभी होता है जब उसमें नवीनता हो। तो मैं समझता हूं कि शिक्षा जो है उत्सुकता और नवीनता को जागृत करने में कहां तक समर्थ हो रही है इसका मूल्यांकन होना चाहिए। और मैं कहूंगा मूल्यांकन नहीं, यह उस प्रक्रिया का अंग होना चाहिए। अध्यापक को यह छूट होनी चाहिए कि वो किस तरह का प्रश्न बनाए। अब आप तो कहें कि नहीं आप वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाओ, कभी कभी तो विपत्ति यह हो जाती थी विभागाध्यक्ष के रूप में मैं देखता था कि कई लोग अब वो बन गया ना कि कुछ छोटे सवाल, कुछ बड़े सवाल, कुछ मझोले सवाल और कुछ मल्टीपल आंसर वाले, कई लोग सवाल ही कम पड़ जाते थे तो एक ही सवाल दो दो बार लिख देते थे, ये विपत्ति सवाल की हो जा रही है। हम मूल्यांकन किस प्रकार करें कि वह मूल्यांकन शिक्षा में हो, शिक्षा का न हो। जी बहुत सही, यह हमारी एक दृष्टि है जो शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी गुणवत्ता को अधिक ऊंचाई पर ले जाने के लिए आवश्यक है। और मैं समझता हूँ इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और इस तरह का अध्ययन भी होना चाहिए और एक वैकल्पिक प्रारूप हम लोग तैयार करें और उसको लोगों को भेजें और कहें विचार करने को, नैक को भी दें, UGC को भी दें, सरकार को भी दें कि भैया देखो शिक्षा को अगर आप ईमानदारी से गुणवत्ता की दृष्टि से ऊपर ले जाना चाहते हो तो आपको ध्यान इन बातों पर देना चाहिए। और इन शब्दों के साथ मैं पुनः आशुतोष जी को हार्दिक बधाई देता हूं कि उन्होंने एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा आरंभ की। निश्चित रूप से यह आरंभ है, यह अंत नहीं है, मध्य भी नहीं है, हमने कदम बढ़ाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत सुखद और बहुत
व्यापक आपने विषयों को लिया है और जितनी अंतर्दृष्टि आपने इस सारे विषय में दी है वो वाकई साधुवाद के योग्य है और हमारे लिए वो दिशा निर्देशक और मार्गदर्शन का कार्य करेगी। निश्चित रूप से बहुत सारे विषय हैं जिनको चाहता हूँ मैं टेकअप करूँ और कभी ये संभावना हो सके कि हम इसको एक मेजर प्रोजेक्ट के तौर पे ले सकें तो उसकी संभावना की जरूर तलाश करूंगा और जो साथी हमारे साथ इस विषय पे काम करना चाहें तो उसका हम एक प्रयास कर सकते हैं, प्रारूप तैयार करने का प्रयास करेंगे बहुत शीघ्र ही। तो क्योंकि समय थोड़ा सा अधिक हो गया है तो मैं और समय ना लेते हुए आप सबका धन्यवाद करने के लिए, आज के वक्ताओं का धन्यवाद करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर रंजू त्रेहन जी को, जो कन्वीनर हैं IQAC आर्या गर्ल्स कॉलेज की, कि वो ST कॉलेज, GMN कॉलेज, MPN कॉलेज मौलाना और आर्या गर्ल्स कॉलेज की ओर से आप सबका धन्यवाद करें। और उससे पूर्व एक सूचना और देना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी है, लगभग 25-26 तारीख को एक विषय हमने और लिया है, द आइडिया एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस इन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न ट्रेडिशन। हमारी परंपरा में न्याय का स्वरूप और अवधारणा क्या है, और उसके लिए आशुतोष माथुर जो कि दिल्ली से हैं उनको हमने आमंत्रित किया है, उसकी सूचना हम आपको जो है 24 तारीख के बाद आपके साथ साझा करेंगे और कोई ना कोई निकट भविष्य में और इस तरह के विषयों से हम उठाते रहेंगे। तो डॉक्टर रंजू त्रेहन अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैम आप सुन पा रहे हैं मैडम रंजू त्रेहन? नो, चलिए ठीक है ये दायित्व भी मैं पूरा कर देता हूँ। हेलो, हाँ जी जी, ने मुझे जी बस वैसे तो अध्यक्ष के उद्बोधन के बाद दृष्टता रहती है, लेकिन वो क्योंकि मैं उस समय जुड़ नहीं पाया था, केवल दो ही शब्द मुझे कहने हैं क्योंकि समय पहले से ही होता दिख गया। मुझे लग रहा है कि एक जो है इस पर छोटा सा एक प्रोफॉर्मा मैंने भी बनाया था, तो एक प्रश्न जो है उसमें जरूर वो जुड़ सकता है कि जो शैक्षिक अनुभव है उसके साथ साथ जीवन का अनुभव क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ दो उदाहरण है, एक आदि शंकराचार्य जी का कि 32 वर्ष की आयु में वो इतना बड़ा कार्य कर गए, और एक इसी युग में जिसको बोलते हैं रामानुजन जो है बहुत छोटी आयु में बहुत बड़ा कार्य किया, और एक जो है मुझे लग रहा है शब्द जो है वो बहुआयामी व्यक्तित्व जो है वो खड़े करने वाली बात है। अब ये चर्चा इस पर लंबी हो सकती है समय अभाव में, केवल संकेत रूप में मैंने इतनी बात जोड़ी अभी। जी आप वो प्रश्न जो प्रश्नावली है वो हमारे साथ साझा करें, निश्चित रूप से इसका पार्ट 2 के रूप में हम उसको ले लेंगे। जी जी हाँ, तो इन्हीं सब शब्दों के साथ कि हमारी एकेडमिक एंगेजमेंट इस तरह से बढ़े कि जिससे एक एकेडमिक कल्चर हमारे इंस्टीट्यूशन में और हमारे आसपास विकसित हो, तो इस आशा के साथ, इस शुभकामना के साथ मैं आज के हमारे दोनों वक्ताओं को, डॉक्टर अमनदीप वशिष्ठ जी को और प्रोफेसर डॉक्टर गिरीश्वर मिश्र जी का धन्यवाद करता हूँ, और अंत तक रुके रहने वाले सभी साथी जिन्होंने रुचिपूर्वक इस सारे विषय को सुना समझा, तो मैं ST कॉलेज अम्बाला कैंट की ओर से, GMN कॉलेज अम्बाला कैंट, आर्या गर्ल्स कॉलेज अम्बाला कैंट और MPN कॉलेज मुलाना की तरफ से आप सबका धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने धैर्यपूर्वक इसको सुना और निश्चित रूप से कई नई संभावनाओं को आप लोग जन्म देंगे, और इसी उम्मीद के साथ हम फिर दोबारा मिलेंगे, पुनः हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे किसी और रूप में। तो इसी के साथ पुनः धन्यवाद, यदि किसी ने फॉर्म नहीं भरा हो तो मैडम मीनाक्षी ने वो फॉर्म इसमें प्रेषित किया हुआ है चैट बॉक्स में, उसको आप प्लीज भर दीजिएगा। तो इसी के साथ धन्यवाद, फिर दोबारा मिलते हैं अगले हफ्ते में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, आप लोग जो मीटिंग छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, डॉक्टर झा साहब धन्यवाद, डॉक्टर ब्रजेश जी धन्यवाद, सर धन्यवाद, डॉक्टर गिरीश्वर जी।
थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर, धन्यवाद। आप प्लीज अपना फोन नंबर वगैरह मुझे दे दीजिएगा, क्योंकि कश्मीर शैव दर्शन पे फिर हम बातचीत करेंगे। जी जी जी, वो आप थैंक यू एवरीवन, थैंक यू माधव जी, थैंक यू सो मच।